एक आदमी खामोशी के साथ पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहा है कि कब ये कटेगा और मेरी जगह बनेगी, ये सब्र है। एक आदमी इंतजार कर रहा है कि कब ये बदनाम होगा तो मेरा नाम बनेगा, ये सब्र है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाऊं, अब इसको कैसे देखते इस जुमले को? जो इंसान एक इंसान को अपना मकसद बना ले, ये तो फिर बहुत ज्यादा गुमराही। अल्लाह तो एक टाइम पर ये सारे रिश्तों को भी साइड में करा देगा। हम अब एक दूसरे के लिए भी नहीं बनाएंगे, हम अल्लाह के लिए बनाएंगे। हम एक मीडियम हैं एक दूसरे के लिए। अब वो बच्चा आपका जो घर के अंदर आपकी नहीं मानता, तो बच्चा तो आप ही का है ना, कहीं ना कहीं तो आप में रहम होगा ना। तो वो इंसान जो अल्लाह का मुनकर है, काफिर है, मुशरिक है तो अल्लाह का ही मखलूक ना, उसकी पर्सनल स्टोरी तो जुड़ी हुई है ना अल्लाह के साथ। कुछ लोगों के लिए आप कुछ भी कर लें, वो आपका इंतखाब नहीं करेंगे। ये उसूल के कुछ मिल रहा है तो अल्लाह खुश है, और कुछ नहीं मिल रहा तो अल्लाह खुश नहीं है, ये उसूल गलत है। शेख, मेरा सवाल जो आपकी स्ट्रगल को लेकर ये था, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये राज आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ थोड़ा, ताकि लोग सुने इस चीज़ को कि सब्र किस चीज़ में ज़्यादा था, आपकी स्ट्रगल में खामोश रहने में सब्र ज़्यादा था या जवाब देने में? ग्रेस जो है ना, वो कभी भी जवाब देने में नहीं। एक आदमी की ज़िंदगी बदलने के लिए हो सकता है मेरे मुंह से निकले हुआ एक जुमला भी काम हो सकता है, तो आप मुझे डिमीन क्यों कर? मैं ये कह रहा हूँ जो सब्र की क्वालिटी है ना, इस पर लोग बिल्कुल भी अरसलान तवज्जो नहीं देते। शेख, एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी भर स्ट्रगल करता रहता है, मेहनत करता है, और जो वो रिजल्ट्स चाहता है अपनी स्ट्रगल के साथ वो उसको नहीं मिलते, और दूसरी तरफ एक शख्स है जो मतलब ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता और इतने ज़्यादा प्री रिक्विजिट्स और कंडीशंस पूरी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको बहुत जल्दी मिल जाता है, तो आप इसको ये आप नहीं देखते कि ये बैलेंस, एक बैलेंस नहीं है ये बात, आप इसको किस तरह देखते हैं? आप इसे नाइंसाफ़ी समझते हैं? मैं अगर लोग तो इसको नाइंसाफ़ी ही कहते हैं। देखें, अल्लाह ताला का इंसान के साथ जो ताल्लुक़ है उसमें उस ताल्लुक़ का जो हुसन है वो नेमतों से क्यों जुड़ा हुआ है? नेमतों से कि अगर अल्लाह कुछ देगा तो ही मैं खुश होऊंगा, ये एक नॉर्मल माइंडसेट है हमारा कि अल्लाह की अता होगी तो ही मेरी ज़िंदगी में खुशियों के बाब खुलेंगे। हालांकि ज़िंदगी कभी कभी ऐसे लम्हात और जगहों पे पहुंच जाती है कि जहां सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला इंसान के साथ उन फुकदान में और उन महरूमियों में भी अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ नहीं है? तो इस पे जितनी भी आज हम बात करें, ये बात ज़रूरी है कि ताल्लुक़ इतना बड़ा है कि नेमतें हों या ना हों, वो ताल्लुक़ सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं और अल्लाह आपसे जुड़ा हुआ है, और याद रखें आप अल्लाह से ना भी जुड़े हों, बहैसियत मुसलमान या बहैसियत गैर मुस्लिम, अल्लाह हर इंडिविजुअल, हर फर्द वाहिद के साथ इंडिविजुअल लेवल पर जुड़ा हुआ है। और मेरे ख़्याल से इससे बड़ी नेमत नहीं है कि अल्लाह इंसान को याद रख ले, अल्लाह इंसान का नाम लेता हो, अल्लाह उस इतने से जुज को कुछ अहमियत देता हो, अल्लाह ने उसकी तरफ पैगाम भेजा हो, या उसकी तरफ से पैगाम अल्लाह तक पहुंच जाए और अल्लाह उसको कबूल कर ले, उसकी आवाज़ भी पहुंच जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती है, इस कायनात का खालिक है, असल ही यही है कि वो कुल है और हम कुछ भी नहीं। अब इसके बाद इंसान है, अल्लाह ने उसको बनाया है कि उसकी ज़रूरियात हैं, हाजात हैं, डेफिनेटली उसकी डिज़ायर्स हैं और उसके ऊपर उसके अकायद और नज़रियात मुहर्रकात और एक्टिव होते हैं। तो डेफिनेटली ये उसूल के कुछ मिल रहा है तो अल्लाह खुश है, और कुछ नहीं मिल रहा तो अल्लाह खुश नहीं है, ये उसूल गलत है। लेकिन स्केल तो यही है ना कि बंदा अगर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी होना करना चाहता है, हाँ, तो उसके लिए तो वो ख्वाहिश होना ज़िंदगी में अल्लाह की नेमतों की और डिज़ायर्स की, और इस दुनिया में अगर अल्लाह ताला मुझे ये ख्वाहिश गलत नहीं है, ये इसका हम मुनकर नहीं है, लेकिन अगर वो पूरी नहीं होती और पूरी होती है, अता अल्लाह की तरफ से अता होती है नहीं होती, उस पर एक पूरी एक लॉग है पूरी, जिस पर आप जितना कुरेदेंगे मैं कोशिश करूंगा उस पर बात करूं।
देखें, ये अगर जो आपने अभी बात करी है ताल्लुक़ वाली, तो ये उस शख्स के लिए तो मेरे ख्याल है कदरे बहुत आसान होगा उस शख्स के लिए सोचना जिसके पास नेमतें मिल गई हैं कि वो अपने ताल्लुक़ को बरकरार रखने की कोशिश करे। लेकिन जिसको नेमतें नहीं मिली हैं, वो दुआएं मांग रहा है और उसको ये समझ में आता है कि मैं प्रोसेस में इतना ज़्यादा ना जाऊं, बल्कि मैं तवक्कुल में और नेकियां बढ़ाने में और नमाज़ें पढ़ने में और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने में जाऊं, तो आपको लगता है कि अगर वो सिर्फ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करता रहे, मेहनत को इम्पोर्टेंस ना दे, तो आपको लगता है कि अल्लाह ताला की लॉक फाइल्स इस तरह काम करती हैं कि देखिए, मसला यहाँ पर ये है कि फरिश्ते से जो ना, फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की डिमांड ही नहीं की। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम मा वे अमरा फालूना मा हूँ वया युमरून। फलूना मा युमरून। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भूख प्यास वाली टेस्ट से गुजारा ही नहीं है, इख्तियार के टेस्ट से गुजारा ही नहीं है। उनसे मुतालबा कुछ और है, दरख्तों से अल्लाह का मुतालबा कुछ और है, चरिंद परिंद से अल्लाह का मुतालबा कुछ और है, कहीं किसी से तवन व करहन मुतालबा कुछ और। इंसान से जो मुतालबा है ना, वो मुतालबा समझने में द डिमांड ऑफ अल्लाह फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग वी आर वेरी मच मिस्टेकन, वी आर वेरी मच इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट के अल्लाह ने इंसान से चाहा क्या है। तो पहले बात ये समझने की ज़रूरत है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। लौ काना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, वो जो हदीस है कुदसी है कि तुम्हारे पहले, तुम्हारे आखिरी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारे इंसान जिन्नात सब मिलके अगर अल्लाह को सजदा कर दें और एक सर्विट्यूड और सबमिशन देते हैं, अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता। वमन कफरा फइन अल्लाह गनीयुन हमीद, अगर कोई इनकार कर देता है तो अल्लाह को उससे भी कोई फ़र्क नहीं वो पड़ता। गनी है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस कायनात की तरफ से कुछ ऐसा नहीं कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता जिससे अल्लाह को फ़र्क पड़ता हो। ना आप अल्लाह से कुछ ले सकते हैं, ना अल्लाह को कुछ दे सकते हैं, आप ना ही भी होंगे। अच्छा, कुछ लोगों का एक बातिल अकीदा था ना, क्योंकि अल्लाह अल्लाह कलीम इसलिए है क्योंकि कोई सामे ज़रूर है, ये अकीदा था ना कुछ लोगों का। बिल्कुल कोई सामे नहीं भी होगा सुनने वाला, तब भी अल्लाह मुतकल्लिम है, तब भी अल्लाह कलीम है, कलाम करता है। तो मफूल का होना ज़रूरी नहीं है फाइल के फेल के लिए, अल्लाह के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो अगर कोई पूरी कायनात नहीं भी होगी, अल्लाह तब भी बात कर लेगा और अल्लाह करेगा आखिरत के आखिरी के अंदर के ऐन अल जब्बारून व ऐन अल मुतकब्बिरून, जब सब ख़त्म हो जाएंगे, जब मलकुल मौत भी फौत हो जाएगा, अल्लाह तब भी कलाम करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत कोई नहीं है, हाजत नहीं है इस चीज़ की, तो फिर अब सवाल उठता है कि फिर ये किया क्यों? क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंडसेट ना हर चीज़ को लेन देन, व्यार और एक्सचेंज और ट्रेड की सेंस में देख रहा होता है। क्या मिला क्या लिया, क्या सही पाया क्या खोया, ये आपकी नॉर्मल जार्गन्स हैं। क्या कमाया क्या उड़ाया, रिजल्ट्स कैलकुलेशंस। आपकी ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी जो है ना, वो नताइज से इतनी जुड़ी हुई होती है और उसमें हर चीज़ की कीमत और अदा अदा और फिदा और वफा, ये इसी तरह ही आप देखते हैं चीज़ों को। इसका एक बड़ा नक्स ये है कि आप अल्लाह को भी इस तरह एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। बहुत से बड़े बड़े शिर्क की बुनियाद ही यही होती है कि जिस तरह इंसान अपने से एक बड़े इंसान से जुड़ने के जो उसूल दुनिया में होते हैं ना, उसी को अल्लाह पर अप्लाई कर देता है। जैसे एक बड़े इंसान को किसी पीए की, किसी सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो हमने यही उसूल अप्लाई कर दिया कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए भी हमें कोई एक लैडर चाहिए, कोई एक रास्ता चाहिए बीच में से जिसकी सिफारिश से हम पहुँचेंगे। ये नक्स ही यही है जब हम इस आयत से दूर होते हैं कि लैसा कमिस्ली ही शय हुन, अल्लाह की कोई मिसल नहीं है, अल्लाह की कोई एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती किसी दुनिया से। सही, अगर जो दूसरी जगह खड़ा हुआ है वलाउल मसल उलआला है, वो भी बाद में समझाएंगे, या आज अकीदे के बाप का टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि अल्लाह ताला को अपने फॉर्मेट से समझना बंद कर दें आप, कि हमारे यहाँ जो लेन देन और अता का और नवाजिश का और जो रहमत का और जो देने का और लेने का और रोकने का जो उसूल है ना, वो अल्लाह पर नहीं चलते। तो इसका पहला उसूल समझना ज़रूरी है अरसलान भाई, कि अल्लाह ताला को चाहिए कुछ नहीं। तो मैं आ रहा हूँ उसके बाद, आप कंटिन्यू कर लें, फिर आप निकालें अपना। अल्लाह को चाहिए नहीं, मगर अल्लाह ने ये बनाया है और अल्लाह ताला की पसंद से बनाया है अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम को, और उसके अंदर हर इंडिविजुअल फ़र्द वाहिद की स्टोरी से अल्लाह पर्सनली कनेक्टेड है।
समझ रहे हैं? सही है। और उस पर्सनल कनेक्शन के अंदर अल्लाह की अपनी मर्जी है, अपनी चाहत है, अपनी मंशा है, अपनी हिकमत है, अपना जलाल है, अपना गुस्सा है, अपना एक उसकी सिफात हैं जिसके तहत वो इंडिविजुअल की ज़िंदगी में, फ़र्द की ज़िंदगी के अंदर हालात को और तसर्रुफ़ करते हुए तगैयुरात और तब्दीलियाँ और लेना और देना अल्लाह का चलता रहता है। अब ये इस पर सवाल उठता है कि अल्लाह किस देता है, देता है, नहीं देता है, नहीं भी देता है, ज़्यादा देता है, किसी को ज़्यादा दे देता है, किसी को देर से देता है, देर से भी देता है, किसी को कम देता है, किसी को कम देता है। तो एक माइंड तो ये कहेगा कि भाई मैं अपने लिहाज से सोचूं कि भाई मैं किसी को कम और ज़्यादा क्यों देता हूँ, और एक है कि हम अल्लाह से पूछें या अल्लाह को समझें कि अल्लाह किस लिहाज और किस हिसाब और किस उसूल से लेता है और किस उसूल से देता है। इस पर आप पूछें कोई इस बात पर है तो? मैं, आपने कहा ना कि ताल्लुक़ और अल्लाह को कोई, अच्छा, तो इस फर्क पे नहीं पड़ता। मेरा मुद्दा ये था कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें इंसान अल्लाह को याद करता रहे मगर उस गली में ना जाए जहां पर उस याद के साथ एक आजमाइश भी हो, एक मेहनत भी हो, मेहनत किस एक सेंस में? दिल के ऊपर छुरा भी चले, तकलीफ हो, हुक्म तकलीफी भी हो या जिस्मानी तकलीफ भी हो, ये अल्लाह का मुतालबा नहीं है ह्यूमन काइंड से। अल्लाह का जिक्र असकार करने वाली मखलूक कम है। वह इन मिन शयन इल्ला युसब्बिहु, दुनिया में शायद कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है मगर अल्लाह की तस्बीह ही करती है वो। तो तस्बीहात और तमजीदात और अल्लाह की तकबीरात पूरी कायनात ही करती है, और ज़रूरत अल्लाह को फिर भी नहीं है, बड़े बड़ी मखलूक करती। आपसे मुतालबा सिर्फ तस्बीहां पढ़ने का थोड़ी है कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर कर लें, ये तो और मखलूक भी करती है, तो फिर आपको क्यों बनाया था? यही मेरा सवाल है ये कि इसलिए बनाया था कि इस पहलू को रखते हुए, वो पहलू जिसमें इस दुनिया से जुड़े हुए पहलू जुड़े हुए, उसकी मैथ्स है, इस दुनिया की ख्वाहिशात हैं, मादा है, मैटर है, टाइम है, इंसान है, मखलूक है, रिसोर्सेज हैं, इनसे भी तुमने जुड़ना है, और ये बगैर फिजिकल मेहनत के नहीं मिलती। तो मगर इसके भी मिलने के अंदर जो असल तसर्रुफ होगा, इंटरवेंशन, वो सुपर नेचुरल मा फौकल फितरत खुदाई कवानीन के होंगे जिसके तहत ये आ रही होगी और ये जारी होगी, मगर इसके साथ जुड़ने का नेचर अल्लाह ने ऐसे नहीं बनाया कि अगर मैं किसी जगह पर बैठ के मुंह नहीं खोलूंगा तो खुराक अंदर कैसे। अल्लाह ने अच्छा सुपर नेचुरली अल्लाह करवाना चाहेगा ना, मुंह खुलवा देगा, लेकिन मुंह खोल के ही खाना जाएगा। जब आप ये कहेंगे ना कि मैंने मुंह ही नहीं खोला और मेरा पेट भर गया, तो ये बिल्कुल ही मुस्तहिलुल अकल बात होगी फितरत के लिए। तो अल्लाह ने इंसानी काम, इंसानी कैपेसिटी और इंसानी पावर के काम भी जो करवाने हैं, करवाने मैथमेटिकली हैं, मगर उसमें जो मौजे का तड़का होगा और मिरेकल का तड़का होगा वो सॉल्व करने के लिए आपको एक इल्म चाहिए, एक ताल्लुक़ चाहिए, एक ठहराव चाहिए। तो ऐसा ताल्लुक़ जिसके अंदर फिजिकल मेहनत नहीं होगी, ये मुतालबा नहीं है, ये मतलूब नहीं है अल्लाह का, ये डिमांड नहीं है अल्लाह की। ठीक है, तो लेकिन मिलता उस वजह से है या इस वजह से, इस पर आप बहस कर लें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिसने वो फिजिकल मेहनत भी नहीं करी, जिसने वो सब्र भी नहीं किया, 28 साल का बंदा है, लाइफ में उसको सब मिल गया, उसको गाड़ी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, ख्वाहिश भी पूरी हो रही है, उसने तो कोई प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं करे जो आप कह रहे हैं। तो आप मेरी बात फिर उसी पहले सवाल पर आती है। मसला ये है कि अल्टीमेट मुतालबा किया है कि तुमने मुझे सबमिट करना है। जीत आप इसको कहते हैं, ममा खलक मिलना आप इसको कहते हैं, इल्ला लियाबुदू, ठीक है, ये अल्टीमेट मकसूद है अल्लाह का। मतलूब और मकसूद में फर्क करेंगे कि मकसद क्या है और मुतालबा क्या है, मतलब पर्पस और डिमांड, इसमें जरा फर्क करेंगे। आ जाओ, वैसे हम दोनों को एक ही कहते हैं कि ला मतलूब अल्लाह वाला मकसूद अल्लाह वाला माबूद अल्लाह, यानी कि जो मिल गया जरूरी नहीं वो मतलूब ही है, वो मकसूद भी है, यानी हाँ जो मिल गया जरूरी नहीं और वो मतलूब हाँ। भी था, यानी ये हम आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो आपसे चीज मांगी है ना, वो है सबमिशन, तज़ल्लुल, अच्छा, इबादत,
اپنے آپ کو ڈلیور کر دیں آپ اللہ تعالیٰ کو, بغیر اسے دیکھے, بغیر جنت کے دیکھے, بغیر جہنم کے دیکھے, بغیر قبر کے دیکھے. فیتھ اورینٹیڈ مطالبہ ہے کہ تو اپنے آپ کے اندر اس سوچ کو پیدا کر کے میں زندگی کے ہر تھک اینڈ تھن, ہر لیل و نہار, ہر لمحے, ہر جگہ, ہر مقام, ہر عمر, ہر سٹیٹس میں تجھے اپنا آپ ڈلیور کروں گا. اور وہ ڈلیورنس جو ہے وہ تعلق سے ہوگی, نمازوں سے ہوگی, ذکر اذکار سے ہوگی, جو تجھے خوش کرتی ہوگی میں وہ ڈلیور کروں گا تجھے. اب اس کی ڈلیورنس جس ٹنل سے گزرنی ہے نا وہ ہے دنیا. صحیح ہے. تو ذرا آپ چار پانچ فائلز کھولیں نا, ایک تو دنیا بیسک ہے جو ہمیں چاہیے ہی چاہیے, وہ زندگی گزارنی ہے. اس پہ تو بھٹو صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے نا, روٹی کپڑا مکان. صحیح ہے, یہ تو چاہیے چاہیے نا ہم کو. اب اس میں یہ اس سے تھوڑی اچھی چاہیے ہوگی, یہ بھی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے. یہ سب سے اچھی چاہیے مجھے اللہ, یہ بھی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے. لیکن یہ ڈیمانڈ اصل مقصود نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہے, مقصد ڈیلیورنس ہے, کنیکشن ہے. تو ایک آدمی دنیا کم رکھ کے اللہ کو ڈیلیور کر دیتا ہے, اللہ سے راضی ہوگا اور اسے اس کے مطابق ریوارڈ ملے گا. ایک آدمی نے دنیا کا زیادہ عذاب پال کے اللہ کو ڈیلیور کیا, اس کا اپنا وہ مقام اور ویلیو ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کسی کو بیسک نہیں دے رہا, اس کا پھر ایک پروسیس ہم دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے اس کو. اور ایک ہے وانٹ اور نیڈ, اور وانٹ سے آگے لگژری آ گئی. اب مطلب آدمی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی میں یہ بات کروں گا نا, لوگ سوچ رہے ہوں گے شیخ صاحب تسی بھی بڑی بڑی گڈیاں رکھی ہیں, بڑے بڑے کار رکھے ہیں, ضرورت ہے. ہاں ضرورت نہیں ہے بھائی, یہ پیور ضرورت نہیں ہے. ضرورت انسان کی بہت کم ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اس زندگی کا حصہ بنائی ہیں, اور یہ نعمتیں بھی ہیں مگر مقصود یہ نہیں ہے. تو ایک ایلیمنٹ ہو گیا کہ بھائی جس سے میں زندہ رہ سکوں اور جس سے میری فیملی زندہ رہ سکے, پروان چڑھے, تو میں وہ ڈیلیورنس دے دوں اللہ کو. اور وہ ڈیلیورنس کیا ہے کہ ہر لمحے اپنے اوپر اس تلوار اور ٹول کو رکھنا کہ تو بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں, میں محتاج ہوں, تو غنی ہے, تو قوی ہے, میں ضعیف ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, اور میں یہ ٹول لے کے زندگی چلوں کہ سب کچھ تجھے دینا ہے میں نے اپنا. اب اس کے ساتھ جو امتحان ہے نا, جو فرشتوں کا نہیں, وہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ کچھ اور بھی چاہتا ہے. اللہ نے اس دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں چاہت ہے کہ تھوڑا سا مجھے اپنی ضرورت سے زیادہ مل جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا. تو وہ ضرورت اس حد تک کی ہے کہ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے, اور اللہ نے اس کو حرام بھی نہیں کہا. اس ضرورت کے اندر اگر کسی کو کم عمر بغیر محنت اور جلدی مل جاتا ہے, تو اس کو ہم زیادہ تر آزمائش کے پیکیج میں ڈالیں گے. میرا اللہ نے اس کو ایک تو ضرورت سب کو دے رہا ہے نا, ضرورت سے زیادہ اس کو کیوں مل رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے اصل سے ہٹے گا نہیں ہٹے گا. اصل مقصود کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, عبادت. یعنی کہ نعمت ہی پھر اس کا آزمائش ہے, آزمائش بن جائے گی. بالکل چیک ہے نا. اچھا اب کسی نے اسی کے لیے اسی کو اصل مقصود بنا لیا تو یہ تو پیور گمراہی ہے نا. تو صبر کی ڈیفینیشن یہاں چینج نہیں ہو جائے. ایک آدمی صبر کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا اللہ مال ہے. ایک وہ صبر ہے جو صرف دنیا اور مال کے لیے صبر کر رہا ہے, اور ایک وہ صبر ہے چاہے وہ دنیا کے لیے ہو یا نہ ہو مگر اس کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہے. تو بیسک کے اوپر اگر ایک آدمی کو سانس, صحت, زندگی بیسک بھی نہیں مل رہی نا, تو اس پہ تو ہم بات کریں گے اس کے بعد. بیسک کراس کرنے کے بعد جو ضروریات ہیں, جو حاجات ہیں, جو لگژری ہے, اس میں ایک آدمی پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے, دوسرا بھی بھاگ رہا ہے مگر دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں اتنی دولت, مال, شہرت, نام کے ساتھ بھی تجھے نہیں بھول رہا, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں بھی آیا اسی طرف ہی تھا لیکن میرا اب دل یہیں لگ گیا ہے. تو اب اس کے اندر کسی کو اگر مل رہا ہے, کسی کو نہیں مل رہا, پہلا سوال اس پہ اٹھے گا الٹیمیٹ پرپس کمپرومائز تو نہیں ہو رہا. چلیں دو بندے ہیں, الٹیمیٹ پرپس کمپرومائز تو نہیں ہو رہا. نمبر ٹو, الٹیمیٹ پرپس اگر کمپرومائز نہیں ہو رہا تو دنیا کی نعمتیں اگر اسے مل رہی ہیں نہیں مل رہی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ چار نکال لیے گا. ایک وہ ہے جو دنیا مائنس کرے گا, اپنے پرپس کو سامنے رکھے گا, بیئر منیمم پہ آ جائے گا, یہ پرفیکٹ ماڈل ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں زیادہ پسوڑیاں پھٹی کے پالنا ہی نہیں چاہتا جو مجھے میرے الٹیمیٹ ویژن سے ہٹا دیں. دوسرا ہے
भाई मैं दुनिया भी, रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, मैं दुनिया भी चाहता हूँ अच्छी और पर्पस भी रखना चाहता हूँ बड़ा अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ, ये भी ठीक है, इसका टोल बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि अब ये ज़्यादा सांपों के घड़े के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि पुल बहुत होगा ना, जितना आप कनेक्ट होंगे उतना पुल होगा। तीसरा वो है जो गया था दुनिया लेने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, मगर दुनिया को ही बड़ा बना गया और अल्लाह उसने माइंड के अंदर मकसद में छोटा कर दिया। और चौथा वो है जिसकी दुनिया इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह और दीन और आखरत और असल डिलीवरेंस जो है वो बिल्कुल माइनस पे आ चुकी है, ये प्योर कुफर है। तो बीच में दो मेन बंदे हैं, एक जिसकी जो दुनिया की तरफ मेहनत कर रहा है अल्लाह के लिए और एक जो दुनिया की तरफ मेहनत कर रहा है दुनिया के लिए। इसके अंदर भी किसको मिलता है किसको नहीं मिलता इसकी भी फाइल्स हैं। जैसे 28 साल या 22 25 साल या जो क्विक ट्रिप मनी ट्रेंड्स आजकल आए हैं कि भाई ये प्योर आजमाइश भी हो सकती है, और हो सकता है कि उसके 27 साल से पहले पिछले 15 साल ऐसे गम में गुजरे हों जिसका आम इंसान अजाला नहीं कर सकता, अल्लाह ने उसको अता कर दिया उसके सब्र के ऊपर। नाउ यू कंटिन्यू। मेरा पॉइंट ये था, आपने सब्र की बात करी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन दोनों बंदे सब्र करते हैं, हाँ तो क्या उसके सब्र की क्वालिटी अच्छी थी या उसके सब्र की क्वांटिटी अच्छी थी हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कि एक आदमी बहुत ज़्यादा सब्र कर दो रहा बंदे है सबर उसको कर नहीं रहे मिल हैं रहा, जरूरी नहीं है दोनों को मिल लेकिन जाए। दोनों का ताल्लुक बिल्ला है, हाँ ताल्लुक होगा लेकिन भाई, तो ताल्लुक तो गैर मुस्लिम का भी अल्लाह से होता है। मैं कह रहा हूँ एक लाइन क्यों ड्रॉ नहीं होती कि आप क्योंकि जो आपका एंड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो रिसीविंग एंड है, जो अल्लाह का एंड है, वो फैसला करेगा ना कि मैंने किस को किस। देखें अल्लाह अल हय है, जिंदा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हम अल्लाह के लिए ये अल्फाज नहीं बोल सकते कि अल्लाह की फीलिंग्स हैं, अल्लाह के जज्बात हैं, ये तो मखलूक की सिफात है। लेकिन अल्लाह खुश होता है, खुश होता है, कुछ होता है। नाराज़ होता है, नाराज़ होता है, गुस्सा करता है, गुस्सा करता है, अल्लाह बंदे के करीब आता है, करीब आता है, दौड़ के आता है, दौड़ के आता है, अल्लाह ने 99 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, करता है, अल्लाह ने जंगे बदर को के शहीद शुहदा को देखा, देखा, अल्लाह की सिफात हैं, अल्लाह का जलाल है, जलाल है। कुछ चीज़ें अल्लाह को बहुत ज़्यादा जलाल में ले आती हैं, बहुत जल्दी गुस्से में ले आती हैं, बहुत जल्दी अल्लाह ताला की वो चीज़ को हो जाता है मामला। तो यही तो सीखना है, इसलिए तो मारफत रब सबसे बड़ा इल्म है बनिस्बत दुनिया के किसी और मामले से। तो दोनों बंदों अल्लाह के लिए दोनों बंदे महरूम हैं किसी चीज़ से, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, और दोनों सब्र कर रहे हैं, एक को ठीक मिल है गया दूसरे को नहीं मिल गया। सही, तो आदमी के दिल में शक डालेगा शैतान आके, देख ले नाइंसाफी। यू आर अ जोक टू योर गॉड। जो डीमन होगा ना वो आके आके बोलेगा यू नो अल्लाह के लिए ये सिर्फ एक मिजा है, एक गेम लगा हुआ है आगे से। मोस्ट ऑफ द डिमोनिक जितनी भी शैतानी वसवसे ही होंगे कि अल्लाह को ये पसंद है लोगों को नऊज़ु बिल्लाह तकलीफ देना, लिया नहीं, नहीं नहीं बात ये है कि सब्र की मिकदार पे क्यों आप देख रहे हैं। भाई मैंने इतने दिन सब्र किया, मैंने इतने साल सब्र किया, मैंने इस आप क्वालिटी पे नहीं देखें। ज़्यादातर लोग सब्र की क्वालिटी पे बात नहीं करते, सब्र की क्वांटिटी पे बात करेंगे कि शेख साहब मुझे इतने सालों से ये चीज़ नहीं मिली, आप दुआ करिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अल्लाह ताला जो चूंटी की दुआ भी सुनता है, वो था ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का सुलेमान अलैहि किस्सा है सलाम की पूरा। दौर की चूंटी की आवाज़ सुनी है अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला चूंटियों के दिलों की धड़कनों को भी जानता है, चूंटियों के जज्बात समझता है, जर्रों को सुनता है, और फिर अल्लाह उसके ऊपर अपना हमें इल्म दिया अल्लाह ने कि अल्लाह ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया उसको फिर, सही, और उसे एक इंसान जो है जिंदा इंसान मांग रहा है और अल्लाह ताला को उस पर कुछ नहीं होगा। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि सफ़ेद बालों के साथ मुझसे कोई मांगे तो मुझे हया आती है कि मैं इसके हाथ ऐसे लौटा दूँ, अल्लाह ताला जो है वो असहाबुल उख़दूद वाला जो अज़ाबुल किस्सा था। उख़दूद देख लें आप। उसने बोला छोटे से बच्चे ने अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शिता, पूरी पूरी फौजें नहीं मार सकी उस बच्चे को कि तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले जा रहे हैं,
क्या जुमला बोलते, हसबुन अल्लाह व निअमल वकील। जुमले ही ऐसे थे कि अल्लाह ने कहा कि अब आग बुझाई नहीं जाएगी, आग की फितरत बदलेंगे वो, क्योंकि इब्राहिम ने बड़ा पत्थर रखा है ना, अभी उसने अपनी सब्र की क्वालिटी के अंदर ऐसा सब्सटेंस डाला है कि अब हमें भी कुछ दिखाना पड़ेगा। तो अल्लाह ने कहा कूनी बर्दाऊ सलाम, बर्दाऊ सलाम। यहाँ मैं थोड़ा सा एक आपको फितरत बदलता है। हाँ बोले बोले शेख, आपने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, और एक तरफ मैं इस मतलब मैं एतराज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं नुक्ता समझना चाह रहा हूँ कि एक तरफ ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह है बहुत तवील, मछली के पेट में बहुत अरसा, कभी एक जुमले पे हो गया और कभी तवील अरसा गुजर गया, कभी अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी तवील अरसा गुजर गई और कभी एक जुमले पे हो जाता है, तो ये आप मैं वही मैं पूछना चाह रहा इंस्टेंट और डिलेड में मैं आ रहा हूँ बस इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात की तुमने यहाँ पे कि भाई वो तो अम्बिया थे, कुछ न, इससे भी बड़ा सवाल है, बाज़ अम्बिया को सवाद आज़म दिया अवर नबी उलैस माउहद, और बाज़ अम्बिया ऐसे गुजरे उन्हें एक फॉलोअर नहीं दिया, तो क्या नबियों को ये गम अंदर से तंग नहीं करता होगा कि मैं वो हूँ जिसकी कौम में से एक ने भी ये है, बल्कि आप सबसे फ़ख्र करेंगे कि मेरे साथ मैं तो कसरत की उम्र, इसलिए तो अल्लाह के नबी चाहते ना औलादें भी ज़्यादा हों और मेरी उम्र बड़ी होगी। तो जब ये एक नबी के नहीं है, ये रसूल के अंदर सबकी सिफात होंगी, ये कि उनके अंदर ख्वाहिश होगी कि मुझे ज़्यादा फेसबुक फॉलोअर्स नहीं ईमान के फॉलोअर्स मिले। तो उन्होंने उनके दिल के अंदर जब ये जब जब उनके दिल में ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी, तो अल्लाह के उनको अल्लाह ने उनकी नसीब में ये नहीं लिखा, क्या गम होगा। नूह अलैहिस्सलाम का आप गम देख लें, अल्लाह मेरा बेटा है, और बोल भी अच्छा और इंसानी तकाजे के तहत आप बोल भी है क्या ये मेरा मेरा बेटा है मेरा अहल। अल्लाह ने फरमाया नहीं, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारी औलादों में से नहीं है, ये गैर साले है। तो इंसानी तकाजे के तहत तो ऑब्वियसली बात है जो तुमने कही है कि इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि नहीं दिया अल्लाह ने किसी को लंबा रखा, तो इसमें क्या अल्लाह क्या है। अल्लाह ताला अल्लाह रब्बे करीम रब्बे जुल जलाल अल्लाह की शान है, अल्लाह को कुछ लोगों को उस प्रोसेस में रखना अच्छा लगता है, अल्लाह को कुछ लोगों को बस होता है कि इसको बस अभी कर दें हमें। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो देख ले, मैं इसका मतलब ये नहीं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन दिल से नहीं कहा होगा। मैं तो आज बताऊँ मेरे हक मुझे सबसे पावरफुल सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई है ना, उस रात जो मैं जिक्र करता हूँ ना कि भाई आज मेरा किस्सा तमाम हो गया और ज़िंदगी भी ऐसी गुजरी कि दुश्मनियाँ ही रहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन इज़ माई फाइनल, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन मेरा फाइनल ऑर्डर होता है अल्लाह से मांगने का, मुझे पता है इस पर ना नहीं हो सकती, इतनी पावर है इस वजीफे की इस दुआ की। लेकिन टाइम लिया अल्लाह ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आप देख लें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुरूद मिला, पूरी उम्मत क़यामत तक दुरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेगी, सफ़ा मरवा मिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से मिला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से मिले, तवाफ़े काबा मिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ज़िबा करने की कुर्बानी की आपको सुन्नत मिली इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इतने अल्लाह इतना रखता है किसी को कि मैं तेरा नाम इस तरह ज़िंदा रखूँगा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई क्वालिटी दी होगी ना अपने टाइम पर, कुर्बानियाँ ही थी जो हम सुनते हैं, जवान बेटा ज़िबा कर दिया, नौ मौलूद बच्चे के साथ बीवी को विवादन गैरी जरिन ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ कुछ नहीं था, आग में जा रहे हैं तो तवक्कुल और अकीदा इतना स्ट्रांग है कि हसबुनल्लाह व निअमल वकील, किसी भी और मदद का इनकार किया और डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ गए। छोटी सी उम्र के अंदर इतनी गैरत थी कि सारे बुत थे सारी शख्सियात का जो शिर्क होता था वहाँ पर सबकी गर्दनें काट कर उन्होंने बड़े के हाथ में तलवार रख दी, इतनी गैरत थी आपकी तौहीद के ऊपर। तो ऐसे लम्हात जिस इंसान ने कुर्बानियों के गुजारे हों तो अल्लाह ने दिया उसको, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीहात का अगर काट काटी है उन्होंने तो उसकी कौम को अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ दी है जो किसी कौम को नहीं दी, उसूल चेंज किया अल्लाह ने कायनात का, एक क्या था वो कि जब अजाब आता है तो जब अजाब निकल जाए अजलम मुसम्मा, तो अजलम मुसम्मा होता है। हाँ। तो
क्या वो तस्बीह इनकी दुआओं से अल्लाह ने इनको माफ़ किया या एक नबी अपनी दुआएं कर रहा था? नबी अपनी दुआएं कर नबी रहा की भी दुआएं थी और इनकी तो थी तो यूनस अलैहिस्सलाम की कौम ना, तो तारीख में यूनस अलैहिस्सलाम की कौम को वो तोहफा मिला जो किसी कौम को नहीं मिला कि अजाब का हुक्म और मैंडेट जारी हो चुका था, तो निकला हुआ अजाब अल्लाह ने वापस लिया ना, तो यूनस अलैहिस्सलाम की कौम से लिया, तो ये भी तो उसी नबी की कौम को तोहफा मिला ना कि मैं इन तस्बीहात के ऊपर क्या कुछ नहीं रिवर्स कर देता। उनकी कौम की तौबा और इस्तगफार की तो हैसियत है कि इज्तिमाई तौबा होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ जो सब्र की क्वालिटी है ना, इस पर लोग बिल्कुल भी अरसलान तवज्जो नहीं देते कि अल्लाह को क्या चीज़ वो दरवाजे खोलने के लिए इनामात के लिए ज़्यादा करती है या लंबा देने के ऊपर आमादा करती है। उसके अंदर आप हिस्ट्री की जितनी बड़ी शख्सियात उठाएंगे, एक ऐसा क्वालिटेटिव सब्र है कि वो वाकई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अगर बादशाह बने हैं और पूरी ट्रेजरी उनके पास है और सारे के सारे भाइयों को झुकाया है, वो इतना बड़ा सजदा जो हुआ, तो उसके पीछे क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक नॉन ऑर्डिनरी लाइफ है क्या? कार्ड चेक करें आप, बचपन में अपने भाइयों के हाथों सौदा करवाया आपका जान का, इस गम को आप समझ सकते हैं अरसलान में कि आपके भाई आपको सगे। अंग्रेजी में कहते ना, दे थ्रो मी इन फ्रंट ऑफ द पैक ऑफ वुल्व्स, जुमला है ना, मैं सोच भी नहीं सकता था ये मेरे साथ करेंगे। हाँ, ये मेरे साथ कर। और फिर आगे भी बोला कि ये और इसके एक वो इसका और इसका भाई जो था ना, दे सुनवाया है ना, तो जो सख्त इम्तिहानात अल्लाह ने एक डाई के अंदर रखे हैं, जो उसको फुलफिल करेगा, तारीख उठा के देख लें, अल्लाह ने जो उसको दिया ना वो इंसान को भर देगा, उसकी हैसियत से भी ज़्यादा था और उसके मन को भर देगा। तो जितनी भी तारीख में आप देख लें, अल्लाह की अता में जितना भी एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट रहा है, बहुत बड़ी अता जो अल्लाह ने दी है, वो बहुत कमाल के सबर के ऊपर दी है। ये सबर कर रहे हैं बैठ के, इसमें चार पांच नकाइस भी हैं जो असल में अल्लाह के यहाँ सबर नहीं है। इस्तेहकाक एक बड़ा मसला है कि बंदा सबर करते करते इस डोमेन में आ जाए कि मैं मुस्तहिक हूँ। इबलीस जब तक आदम अलैहिस्सलाम के खमीर में रूनी डाली थी, सबर कर रहा था? चुप तो बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं था वो। नहीं, वो खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रहा था ना, लेकिन वो उसमें आता ना, वो मार के जाता था। और वो पॉइंट ये है कि अंदर गलाजत थी ना, वो तो थी उसमें, बाहर से तो लग रहा होगा ना अब इसकी पोजीशन किसी और को मिल रही है तो बड़ा साबिर है ये। सबर नहीं था वो निकला जब मुंह से गंद ना, तो पता चला इसके अंदर चल क्या रहा था। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर था, अल्लाह की तकसीम पर रजामंदी नहीं थी। बहुत से लोग अरसलान, अगर क़यामत के दिन खुलेगा ना, मैं यामल मिसकाला ज़रा तिन खैर यहाँ शर यहाँ, ये तो आखिरत में अल्लाह बताएगा कि तुम्हें लग रहा था ये सब्र कर रहा है, ये अपने मन के अंदर ना ये क्रोध रख के बैठा हुआ था मेरे ख़िलाफ़। सही, ये अपने आप को मुस्तहिक समझता था कि मैं डिज़र्विंग हूँ कि अल्लाह मुझे दे, मैं डिज़र्विंग हूँ कि मुझे माल दौलत पैसा मिले और शोहरत मिले, सब्र किया है क्योंकि मैं सब्र, मैं इसलिए चुप करके बैठ के कर रहा हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। ये सब्र नहीं है, ये सबर नहीं है कि उसको मिला तो उससे छिन के मेरे पास आके मैं सबर कर रहा हूं कि उससे छिन के मुझे मिल जाए, ये सबर है? ये तो जवाल नेमा अनिल मुनाम, ये सबर है? ये हसद है। एक आदमी खामोशी के साथ मेहनत कर रहा है ये सोच के कि वो कब बर्बाद होगा और कब मुझे मौका मिलेगा, ये सबर है? एक आदमी खामोशी के साथ पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहा है कि कब ये कटेगा और मेरी जगह बनेगी, ये सबर है? ये नेगेटिविटी सबर है? एक आदमी इंतजार कर रहा है कि कब ये बदनाम होगा तो मेरा नाम बनेगा, ये सबर है? एक आदमी कब चाह रहा है कि मेरे पास ये नेमत मिले तो मैं 10 लोगों को बताऊंगा, मैं दसांगा तो मैं की शाया, ये सबर है? मैं इल्म इसलिए हासिल, मैं इल्म हासिल करने का सबर इसलिए कर रहा हूं ताकि जिस दिन मेरे पर मुफ्ती या आलिम का टैग लगेगा मैं दसांगा तो सबनो कि फतवे की पावर क्या होती है, ये सबर है? मैं सबको जलील करके बताऊंगा कि तू भी फारग है, तू भी फारग है, तू भी फारग है, ये सबर है? ये सबर नहीं था। तो ये भी देखना पड़ेगा कि गलाजत के बाद अगर अल्लाह किसी को कुछ दे रहा है तो उसकी बर्बादी में इजाफा कर रहा है अल्लाह, और अगर अल्लाह किसी को रोक रहा है तो डेफिनेटली अल्लाह चाह रहा है कि कुछ लाइंस को दुरुस्त कर अपनी। तू बैठ के खामोशी से 8 साल काट रहा है, लेकिन 8 साल 7 साल में तूने वो कुंडी नहीं खोली जो हम चाहते थे तू खोल, उस डोमेन में तू गया ही नहीं जिसका पेन तू लेगा तो तू ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा।
12 साल से एक ही जिहत में लगा हुआ, ये सबर नहीं है अंदर कहीं ना कहीं। सबर यही है कि सारे एंगल्स को जिंदा रखते हुए खुश रहना है, रोज कहना है। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम लेके गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम रो रो के बिना ही चली गई, इन्ना माशकू बसी बहुसनी लल्ला था, लेकिन जीना नहीं छोड़ा, जीना है, हंसना है, चलना है। उन्हीं भाइयों को भी पाला, उसके उन्हीं बेटों को भी बोला, वो दलाइल सुने आपने कि वो बगैर कमीज फटे हुए खून लगा के ले गए, लेके आ गए, सुना आपने, देखा कि गेम हो गई है यहाँ पर। उन्होंने बाद में कहा भी था कि मुझे लगता है कि तुम उसी तरह इस बच्चे के साथ भी करोगे, दिल में था उनके, लेकिन सबर ये था कि उन्होंने वक्त रखा रखा। अय्यूब अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर औलादे दी, पैसा दिया, माल दिया, अल्लाह ने रुतबे दिए, बेटे दिए, छिन गया। माइंड में सबर पता है क्या था उनके, कि जितने साल मैंने अल्लाह की नेमतें खाई हैं ना, कम से कम इतने साल मेरे पे अगर बीमारी रही ना तो शायद कोई बराबरी होगी, और तब भी वो नहीं समझते थे कि बराबरी। तो बीवी ने एक दिन कह दिया ना, मांगो ना अल्लाह से, तुम्हारी तो दुआ अल्लाह सुनता है, तुम तो नबी हो, आप मुस्तहिक हैं, आप मुस्तहिक हैं। क्या बोला कि मैंने इतने साल अल्लाह की नेमत खाई है, अगर इतने साल डिप्राइव भी रहूँगा ना तो भी नहीं बनता मेरा अल्लाह से। क्या तो जब दुआ भी मांगी तो क्या कहा, अल्फाज क्या थे, अल्लाह मुझे तकलीफ तो पहुँच गई है, वो अपनी बहुत तू रहम करने वाला, ये नहीं कहा मुझे दे दे, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा है। तो हमारे सबर की क्वालिटी जिसके ऊपर, हमारे अमाल की क्वालिटी, हमारी नीयतों की क्वालिटी जिस पर अल्लाह ताला को वो चीज़ महसूस, वो चीज़ आए कि अल्लाह के जा दिया, वो क्वालिटी के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी होगी। और अगर उसके बाव क्वालिटी भी हो और ना दे अल्लाह, तो ये अल्लाह की हाईएस्ट लवेबल बेंचेस के लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह, जिनके बारे में अल्लाह जानता था कि अगर ये तकलीफ़ हटा दूंगा ना ये मुझसे दूर हो जाएगा। तो आप चलें एक जुमला है, आप उसके बारे में आप बताएं आपकी क्या राय, अगर कोई आदमी ये बोले अल्लाह मैं ये चीज़ चाहता हूँ, मुझे मिले ना मिले, ना मिली मैं सबर करूँगा, मिल गई मैं शुक्र करूँगा, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा ताल्लुक तेरे साथ जुड़ा रहा है, आप इस जुमले को कैसे देखते हैं? अल्टीमेट वो बहुत आसान जुमले कि अल्लाह अगर मुझे मिले तो मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, नहीं मिलते तो मैं उस पर राज़ी हूँ। सबर का लफ्ज़ ना बोलें आप, सही है, मैं तुझसे राज़ी हूँ अल्लाह, क्योंकि कुछ मिले या ना मिले मेरे लिए सबसे बड़ी और अल्टीमेट चीज़ कि तेरी बारगाह के अंदर मेरा अगर नाम लिया जाता है अच्छे जुमलों से, मैं इसको सबसे ऊपर समझता हूँ। मैं तेरे लिए कुछ कट मर के कर जाऊँ ये मेरे लिए बड़ा है, मुझे मिले नहीं मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मोहब्बत का जो लेवल है ना, ये फिर बादशाहतें दिलाता है आदमी। और इन सब चीज़ों के साथ साथ दुनिया को लेना और उसमें जीना, दुनिया से कट के ताल्लुक़ कायम करना एक महल में तो ठीक हो सकता है, लेकिन दुनिया के फितने में रहते हुए ताल्लुक को कायम करना ये मतलूब है। मेरा ख्याल है असल मोमिन वही है जो लोगों में मिलता जुलता है, दुनिया में रहता है। वो भी मोमिन ही है जो थोड़ा सा डेंट लगा साइड में हो गया, लोगों में रहा, बातें लगी, गीपते हुई मामला, तो उनके अल्लाह भी जानता है, लोगों में रहोगे तो दो बर्तन खड़केंगे आपस में, गीबत होगी, प्रोपोगंडा होगा, हसद होगा। तो अक्सर लोग ये हल निकालते हैं, भाई मैं अपने हम और सहारा लेते हैं कूलू कौलन सदीदा का, भाई हम सीधी बात मुंह पे करते हैं, मुनाफ़ों के मुंह लगते नहीं है इसलिए यहाँ बैठे। नहीं नहीं नहीं, आपने मुनाफ़ों के साथ भी चलना है। तो मुनाफिक जब अपनी चालें चलेगा और आपका मुनकर जब आप पे चालें चलेगा तो वो नफ्स पे टोल आएगा ना, जख्मी होगा दिल, उसूल तोड़ने का दिल चाहेगा, दिल टूटेगा, दिल रोएगा, दिल करेगा मैं नू मार दवा हूँ नहीं खड़े खड़े। वही तो अल्लाह देख रहा है, वही तो मतलूब ये है, मतालबा और मकसूद ये है कि वो स्टैंडर्ड दिखाओ ना तुम, मैं तुम्हें दे दूंगा एंड के अंदर, मैं तुम्हें दे दूंगा, ये अल्लाह की गारंटी है। मम्मा यत्तकिल्ला यजल्लो मखरजा व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, ये जुमले बोले हैं अल्लाह ने कुरान, बगैर हिसाब के दूंगा। तू तो वो करना जो इंसानी तकाजे से बढ़ के चीज़ है, दिल पे टोल है, दिल पे वजन है, बीवी है नहीं समझेगी कि मैं क्या चाहता हूँ, बच्चे हैं नहीं समझेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, या कोई क्या चाहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। औरत है
ठीक है, आसिया अलैहि सलाम को ले ले यार, तू किसकी बीवी है? फिरौन की। फिरौन की। सुबह शाम ब्लड बाथ्स देखती होंगी आप, खुदाई के दावे का शिर्क सुनती होंगी रोज का। शी इज देयर, टोल क्या बैठी है वहां पे, ठीक है। इसी तरीके से लोग नहीं, कोई समझ ही नहीं सकता होगा। आसिया अलैहि सलाम को कौन समझ सकता होगा? इंसान है, उसके दिल के अंदर क्या चीज है, क्या आग है, क्या गैरत है, क्या तकाजे हैं उसके उसकी अपनी रूह के, उससे समझ ही नहीं सकता। शागिर्द हैं, नहीं समझ सकते। सिस्टम्स हैं, नहीं समझ सकते। बीवियां हैं, बच्चे हैं, नहीं समझ सकते। दोस्त यार हैं, कोई समझ ही नहीं सकता कि दिल में क्या चल रही है उसकी। और उससे उसका गोश्त छीनने के लिए और उसके ऊपर जो टोल और प्रेशर है वो सब लेने आ जाएंगे। उसने तनख्वाहें भी देनी है, उसने माल कमाया है, 90% उसने लोगों की राह में लगा देना है, उसने घर भी संभालने हैं, उसने अच्छा वो ये सब को जला के अपनी सल्तनत को माजी के दुश्मनों से बदले भी नहीं लेने जा रहा, संभल के बैठा हुआ है। ताकत हो, नाम हो, पावर हो, बंदा कहता है छोड़ो यार, वो जो 10 साल पहले जिसने किया था ना या 7 साल पहले, उसको जाके मैं फड़काता हूँ, ज़रा बैठा हुआ है नहीं कर रहा। किसी का 10 साल का जुल्म है पुराना, उसको जाके मुंह नहीं दे रहा। अपने सिस्टम में उसके लोग हैं जिससे जुड़े हुए, उन्होंने उसके साथ ज्यादती की होगी, बदले नहीं ले रहा, किसी को बोल नहीं रहा, किसी को एहसास नहीं दिला रहा कि तूने ये किया था मेरे साथ। अच्छा, आउट ऑफ द ब्लू उमर का तकाजा भी इंसान से कह रहा होता है यार मैं फड़का दूँ सबको, मैं अब 40 का ऊपर हो गया, मैं क्यों सुनूँ किसी की, अभी चुप बैठा हुआ है, अल्लाह नहीं देख रहा होगा उसके दिल को। वो क्वालिटी जो उसके अंदर है कि भाई वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है कि ये सब खड़ा रहा है, और इस सब का सिमत उसने अल्लाह की राह में लगाया हुआ है कि ये सारा स्ट्रक्चर अल्लाह को सर्व कर रहा हो, तो अल्लाह उसकी साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। बनिस्बत एक ऐसे इंसान के जो कहता है ठीक है मैं क्या जुमला बोला था अभी तुमने? मैंने कहा था कि मैं राजी हूँ, मिल जाए तो शुक्र है, ना मिले तो सबर है, ये लाल हो गया सबर का लड़ने में, राजी होना चाहिए। और उसके बाद आखिरी क्या था, मगर मैं तेरी इबादत करता हूँ, चाहता है कि मेरे साथ मेरा ताल्लुक तेरे साथ ठीक रहे बस। एक ऐसी चीज बेटा कर जो दुनिया ना समझ सकती हो, लिखवा ले मुझसे, जरूर देगा अल्लाह। ये मैं तुझे अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, इसके बाद हम अगले सवाल पे जाएंगे कि कुछ ऐसा कर कि वो फिर कुछ करे, क्योंकि इन अल्लाह ला यज़ी अजर अल मोहसिन, अल्लाह ना ट्रेड करता है और ज़ाया नहीं करता, देने को तो अल्लाह किसी को भी दे सकता है, लेकिन ये गिव एंड टेक ट्रैफिक है, मोहब्बत का सौदा होगा, देना पड़ेगा ना कुछ आपको अल्लाह को जो दिल के करीब। अगर आप बड़ा मकाम चाहते हैं तो डील में आप बताएं आप क्या ऑफर करेंगे। बदर बदर की जंग का स्टैंडर्ड ये था लोगों का, जंग बदर में अल्लाह ने उसके बाद क्या दिया उनको, सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह ने क्या दिया बदरी साहबा को बताएं। इसके आगे के बाद का सारा मामला क्लियर है तुम्हारा, सही, कुछ भी कर लो, अगले पिछले सब माफ, सब माफ, क्लियर। बदर की प्रेजेंटेशन को अल्लाह ने ये कहा कि ये मौत तक जो भी होगा इनका मामला क्लियर है अभी, और उनको हमेशा अलग ही रखा है तफासीर के अंदर कि ये बदरी साहब, ये बदरी साहब, मतलब एक टाइटल बन चुका है आपके यहाँ रिजाल की बुक्स के अंदर, बदरी साहब, बदरी साहब ये एक टाइटल है। ओहदी साहबा या खंदकी साहबा नहीं कहते आप, बदरी साहबा। इट वॉज नॉट द वॉर, लेकिन वो उस पोजिशन में, और अगर वो जंग हार भी जाते ना नऊज़ बिल्ला, रिवॉर्ड अपनी जगह खड़ा है, क्योंकि वो 300 ने जो किया है ना वो रहती क्यामत तक 3 अरब लोग भी नहीं कर सकते, रैंक ले गए वो, वो रैंक है, देखो द स्टार्ट। वो पहली कुर्बानियाँ थी जो बगैर जरों के, बगैर वॉरफेयर स्ट्रेटजीज के, बगैर आर्सेनल्स के, बगैर आर्टिलरी के, अल्लाह की राह में बीवी बच्चे छोड़ के कटने के लिए आ गए तपती रेत के ऊपर। तो शेख आप जो बातें कर रहे हैं उसमें तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो एग्जांपल है, उनका भी आप देख लें, उनका भी जो मकाम है, ऐसे थोड़ी है कुछ किया होगा। तो देखें कोई इंसान किसी के ऊपर से कितना इख्तलाफ भी कर ले, आप एक कबूलियत थोड़ी उनकी ख़त्म करा सकते हैं। अगर किसी एक ग्रोह को उनसे कोई इशू भी है, कुछ किया है, कुछ है तो अल्लाह ताला ने इतना मकाम रखा है ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये जो क्वालिटी है ना,
अब देखें गार कहाँ कहाँ पर वो नहीं खड़े, कुछ तो ऐसा किया है ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने कि जो इतनी हेवी बेंच है उनकी दुनिया के, रहती दुनिया तक उनका नाम सिद्धा। मैं ये बात समझाऊं कि कुछ सेक्रीफाइस करने से अगर सब्र चैलेंज नहीं हो रहा तो वो सब्र, वो सेक्रीफाइस भी फिर किसी काम का नहीं है, अगर वो कुर्बानी सब्र नहीं क्रिएट करे इंसान के अंदर। नहीं, सब्र ये अपनी नफ्स को रोकना ना वो करने से जो मन और उसकी शहवात और ख्वाहिशात कह रही हैं, ये होना चाहिए। तो नफ्स तो इंसान को कहता है कि आग लगा दे दुनिया को, चीखे चिल्लाए वगैरह ना करे बाहर से, तो अंदर से कुफ्रिया शिरकिया ना शुक्रिया रखे। ये चीज़ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि काम कर रहा है अभी भी और देता है अल्लाह उसके ऊपर। मैं इस बात के लिए, मेरे लिए मुश्किल है मानना कि अल्लाह ताला ना दे किसी को, और अगर वाकई नहीं दिया ना अल्लाह ने किसी को, जैसे कुछ अंबिया को नहीं दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि अंबिया से कोई गुनाह सार हो रहा था, ये फिर अल्लाह ताला की उससे एक मोहब्बत का सबसे बड़ा अंदाज़ है कि अल्लाह चाहता था कि वो इसी पहलू की दुआओं से मुझसे जुड़ा रहे। मेरा सवाल जो अभी मैं दोबारा से वो सवाल करना चाहूँगा कि एक आदमी के पास मिसाल के तौर पे पैसे हों, उसने पैसे दे दिए अल्लाह की राह में, एक बहुत बिल्कुल माइक्रो सिचुएशन है, अब वो ज़रूरी है क्या उसका पैसा देना उसके सब्र को चैलेंज कर रहा है? तो किस मकाम पर जाकर उसका सब्र चैलेंज होगा, वो बोले हाँ अब मैं इस मकाम पे हूँ कि मेरा सब्र थोड़ा सा। मैं एक आदमी ने लाख रुपए उड़ा उड़ा के उड़ा दिए, उसने उसको लाख रुपए का इन्फाक करना इशू नहीं लगता, 10 लाख रुपए का इन्फाक उस पर इशू करेगा ना, उसका कंफर्ट जोन खराब हो सकता है। हाँ तो हर आदमी का कंफर्ट जोन 1 लाख रुपए वाला थोड़ी है, किसी का 1 करोड़ पे होगा, किसी का 1 लाख पे होगा। इसराफ भी ऐसा है, किसी का इसराफ जो है 1 लाख रुपए है, किसी का इसराफ 1 करोड़ पे, तो आप इस पे सब पे एक लकीर थोड़ी लगा सकते। असल तो बात वहीं पर है ना, वहाँ तक जाना है जहाँ पर जो वसत है दिल की वो चैलेंज हो, वो दर्द में जाए। तो जितना आपकी मकान जितना बड़ा होगा मामला, उतना बड़ा बड़ी हिट आपको हिलाएगी। तो उस हिट के हिलने के ऊपर आप क्या स्टैंडर्ड दिखाते हैं अल्लाह को, आजी का, इनकसारी का, प्यार का, मोहब्बत का, रज़ा का, दैट मैटर्स। तो शेख, सब्र सिर्फ बुराइयों से रुकना ही होता है या फिर अच्छाइयाँ बढ़ाना भी होता है फिर सब्र? यानी कि कभी सब्र काम करवाता है इंसान को, प्रोडक्टिव बनाता है सब्र। हाँ, कभी कभी मुँह कभी कभी अमल रोकना सबसे बड़ा सब्र है, और कभी कभी अमल करना और पैर बढ़ाना सबसे बड़ा सब्र है। नफ्स को रोकना है ना कि इस महल में जो नफ्स तकाज़ा कर रहा है ना उससे रोक लेना अपने आप को। तो कभी नफ्स तकाज़ा कर रहा होगा कि पत्थर उठाओ और मारो, और कभी कभी नफ्स तकाज़ा कर रहा होगा कि डर के बैठ जाओ, उसके एंटी जाना सब्र है। जो चीज़ नफ्स चाह रहा होता है ना कि हम ना करें, और जो चीज़ नफ्स चाह रहा होता है कि हम करें, उसके खिलाफ जाना सब्र है। तो नफ्स जो है वो तो चाह रहा होता है, भाई क्या ज़रूरत है इतनी पसूड़ियाँ पालने की, इतनी टेंशन लेने की, इतनी स्ट्रेस लेने की, इतने लोगों में रहने की, इतनी मेहनत करने की, इतना बोझ लेने की, इतना टोल लेने की, क्या ज़रूरत है इतनी पंचायतों में सियासतों में जाने की। तो अल्लाह ताला उस नफ्स की रिस्पेक्ट को रखता है खाते में ज़्यादा जिसने वाकई बढ़ाया। अब सिकंदर आज़म जो है वो मेसोपोटामिया से इंडिया तक आ गया, तो क्या उसने सिखाया होगा अपने नफ्स को जो यहाँ तक आ गया, भूख ही नहीं ख़त्म हुई। तो जब उसने बढ़ाया तो साथ में चैलेंजेस भी बढ़े होंगे, और उन चैलेंजेस में अगर वो जितना ज़्यादा उसने किंगडम बढ़ाई हुई है उसमें उसने अगर अल्लाह को रखा है ना, तो उतना बड़ा वो आदमी है, उतनी बड़ा अल्लाह उसकी शान रखेगा। जिसने चार लोगों में छोटे से कुएं में बैठ के भी अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ा है, कम वो भी नहीं है, अकोमोडेट दोनों होंगे। हाँ, लेकिन उसके मुताबिक उसको फिर देगा ना अल्लाह। आपको नहीं लगता एक आदमी ने पूरा घर जला दिया, एक आदमी ने बर्तन नहीं जलाया अल्लाह के लिए, तो आपको नहीं लगता कि हर इंसान को दीन में इतनी डिटेल्स और इतना ज़्यादा आगे बढ़ना और इतना ज़्यादा सब्र करना, तो यह सब्र करना क्या यह ऑप्शनल होता है कि मैं सब्र करना चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यह सब्र अताई होता है? देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला को आपको ऐसा मैसेज भिजवाएं जिस पे आसमान हिले। साद बिन माज़ की फौतगी के ऊपर अल्लाह का अर्श हिले ना, क्या था ऐसा साद बिन माज़ में, व्हाट हैज ही डन? असल में आप वो समझें कि जो ये असल फ़लसफा हयात है ना इंसान का, वो एक ऐसी कारकर्दगी को पेश करना है जो जिस्म से तो ताल्लुक़ रखती रखती है, नीयत से बड़ी है। नीयत हो,
کلیجہ ہو، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن اللہ ينظر الى قلوبكم، اللہ دل کی کوئی ایسی چیز بھیجے اللہ کے پاس، اس دل کو ہجرت کر کے اللہ کے پاس ایک ایسے وطن میں بھیجے جہاں پہ لکھا ہوا بولے کہ کیا بات ہے یار. چلیں شیخ صبر پہ ہم نے بات کری، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا، اب ایک آدمی نے صبر کیا ساری زندگی اور اچھا کوالٹیٹیو صبر کیا اس نے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا، نتائج کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آپ اس کو روکیں نا بھائی، زبان کو بھی لگام دے، دل کو بھی لگام دے، موٹیویشن بھی رکھے، پازیٹیوٹی بھی رکھے، امید بھی رکھے اللہ سے، خوف بھی ہو کہ کہیں اللہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے، یہ دونوں کے بیچ میں توکل بھی ہو، اور روز کے روز قدم بھی نکالتا ہو. ایسے کا اللہ اجر ضائع کر دے یہ میرا ماننا نہیں ہے. شیخ میں چھوٹا سا یہاں پہ مزاحیہ میں ایک جملہ بولوں گا، آپ مجھے بتائیں، جو یہ لوگ بولتے ہیں آج کل ہماری ماشاء اللہ جنریشن، میں صرف تمہارے لیے ہی بناؤں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس جملے کو؟ جو کہے کہ میں تمہارے لیے، اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. جو انسان ایک انسان کو اپنا مقصد بنا لے، جو انسان ایک انسان کو اپنا مقصد بنا لے، یہ تو پھر بہت زیادہ گمراہی. اللہ تو ایک ٹائم پر یہ سارے رشتوں کو بھی سائڈ میں کرا دے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ایک ٹائم پر یہ سب کا مطالبہ کر لے گا کہ سب کو چھوڑ دو، بھائی، باپ، رشتے، گھر، پیسہ، دولت، جان، سب جائے گی. عمر سے کروایا، عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کووننٹ کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ جان دو، تم لکھواؤ گے جان دو گے. تو یہ سب مینٹ، حالانکہ لیتا تھوڑی ہے اللہ، اللہ تو صرف نفس کو وہاں تک لے کے جائے گا نا کہ آپ چھری پھیر دیں. آگے اس نے مینڈا بننا ہے، وہ معجزہ اللہ سنبھال لے گا، لیکن وہ مائنڈ پر جو ٹول آئے گا نا کہ ہاں میں دوں گا یہ سب، ایک ٹائم پہ جلا دوں گا میں اللہ کی راہ میں، صحیح، وہ چاہیے اصل میں. صرف ماننا ہی اللہ لے گا نہیں آپ سے، وہ مینٹلی چاہتا ہے کیا ہے، مینٹلی چاہتا ہے کہ کہاں تک جائے گا یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک ہے کہ آپ کے کرنے پہ دروازہ کھلتا ہے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند آ جائے، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی لمبی کنسسٹنسی دیکھی ہوتی ہے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، عذاب کے طور پہ نعمتیں بڑھا دے گا آپ کا. سو آپ اپنا فوکس اس چیز پہ رکھو کہ یار میں اپنی ہر پوزیشن میں کتنا ٹول لے سکتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہے احسان کے درجے پہ جانا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی انسان کو کہہ رہے ہیں میں تیرے لیے بناؤں، نہیں جی، آپ اللہ کے لیے بنائے گئے. ہم ایک دوسرے کے لیے بھی نہیں بنائے گئے، ہم اللہ کے لیے بنائے گئے، ہم ایک میڈیمز ہیں ایک دوسرے کے لیے. وی آر اے ویسل فار ایچ ادر اینڈ دیٹس اٹ. اصل ہماری اللہ ہے، چاہے اجتماعیت ہو نہ ہو، چاہے انقلاب آئے نہ آئے، چاہے خلافت آئے نہ آئے، چاہے ہم اکیلے کسی جزیرے پہ بھی بیٹھے ہوں، پرسنل کنیکٹیویٹی اللہ کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگی. شیخ اکثر کچھ لوگ صبر کرتے ہیں، زندگی غم میں ہوتی ہے، اور ان کو صرف اسی جملے سے حوصلہ دیا جاتا ہے کہ ان اجری الا علی اللہ، بس اللہ کے پاس ہی تمہیں تمہارا اجر ملے گا. کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پے بیک دیتا ہے صبر؟ نہیں دیتا. کیا ایک ارب کہانیاں سنا سکتے ہیں اس کے اوپر. مجھے دیکھ لیں آپ، میں اپنی تو کوئی مثال پیش کرنی، مجھے دیکھیں 14 سال بعد اللہ نے اولاد دی، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی کہانیاں اس دنیا کے اندر. یہ کہنا کہ ان اجری اللہ اللہ تو ہے ہی اللہ کے اوپر، اللہ دے گا آخرت میں تھوڑی ہے، دنیا میں بھی دے دے گا اللہ، دنیا میں بھی دیتا ہے اللہ، مگر اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کو ایک خاص اسپیسیفک چیز میں نہیں دے گا تو اور چیزوں میں دے دے گا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ مقدار کا ملے گا. آپ سے مقصود یہ ہے اور مطالبے، آپ اس کی تقسیم پر راضی ہو یا نہیں، اور تقسیم پہ راضی ہوتے ہوئے آپ اللہ سے کہتے رہو اللہ کا تو بڑھا دے گا تو تیری بڑی مہربانی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو 30% کو 50% کر دے. تو یہ مانگنا بھی ہے، اللہ نے یہ مانگ کے لیے ہی خواہش رکھی ہے، اور خواہش کے آگے فتنہ بھی رکھا ہے، اور خواہش کے آگے تعلق بھی رکھا ہے. دنیا کے اندر پے بیک، اور اس کو شریعت نے آخرت کے پے بیک میں بدلا. بفل کے ساس ہی حیات، بفل کے ساس ہی حیات یا اولی الالباب. اللہ نے بدلا رکھا ہے دنیا کے اندر، قصاص رکھا ہے، دیتیں رکھی ہیں، دنیا میں اللہ نے بدلے کا نظام رکھا ہے کہ اگر اس کا کچھ ہو اس کو دے. تو اللہ کی شریعت میں مقصود دنیا میں اللہ کرواتا ہے مکافات عمل، ہم کیا کہتے ہیں، دکھاتا ہے اللہ انسان. کچھ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں نا، اللہ میری روح کو ٹھنڈا کر دے، میں اس طرح دنیا سے فوت نہیں ہو سکتا کہ میں یہ جرم دیکھتا ہوا جاؤں، اللہ دکھائے گا اسے دنیا. آپ یہ مانتے ہیں کہ آخرت کا جو بدلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ آخرت کے بدلے کے لیے انسٹنٹ کے اوپر، آپ کے لیے یہ والا قصہ کیا کم امپورٹنٹ ہے کہ ابو سلمہ وہ سچ اے گریٹ ہسبینڈ آف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ فوت ہو گئے، اور وہ اتنی راضی تھی اپنے ہسبینڈ سے، اتنی خوش تھی کہ وہ واقعی ایک بہت مینٹل سٹریس میں چلی گئی اس غم کے اندر،
कि इससे अच्छा आदमी कैसे मिलेगा पूरे मक्के मदीने के अंदर मुझे। उस गम के आलम में आप सल्लम ने गुजरते हुए उनको ये कहा था कि आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व खलीफली खैर मिनहा, अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर दे, रिवॉर्ड मी इन दिस ट्रायल आई एम गोइंग थ्रू, द पेन आई एम गोइंग थ्रू, और बदल दे उससे जो मुझसे लिया गया एक बेहतर चीज़ में। फिर क्वेश्चन उठेगा अकीदे का, अबू सलमा से अच्छा कौन हो सकता है? तो फिर किसका रिश्ता आया आप किसका रिश्ता आया उम्मे सलमा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुछ ही अरसे बाद आपने खितबा वहाँ पे इरसाल कर दिया, ये मतलब इंस्टेंट हो गया, इंस्टेंट विद इन 3 months 4 months। इसी तरीके से आप देख लें, आप ही आप मुझे बता रहे थे आज पॉडकास्ट से पहले उम्मे सलेम का क्या किस्सा है वो बताएं आप। उन्होंने अपने हस्बैंड को ये शो नहीं किया कि बच्चे की डेथ हो गई है कि उनको वो किसी गम में आ जाए, सही, और उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि बल्कि आप उनके लिए तैयार भी हुई, उनके लिए खाना भी रखा और उनके साथ वो सारे ज़ौजियत वाले मामला जो होते हैं वो भी करे भी रखे, और फिर अगले दिन उन्होंने ये बता दिया कि अल्लाह ताला ने हमें एक अमानत दी थी, अल्लाह ताला ने वो ये ले टोल लिया। नहीं है, ये बहुत बड़ा टोल है कि एक औरत कैसे कर सकती है कि एक तरफ फौत हुई हुई है बराबर वाले कमरे के अंदर या घर के अंदर ही उसकी मेरे ख्याल से कहीं या दफना दिया था उन्होंने, नहीं वो ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहां पे रोशनी नहीं पड़ती थी, घर में ही बच्चे तैयार करके, घर में एक बच्चे की लाश है और वो औरत तैयार हो रही है अपने खावंद के लिए कि मैं अपने खावंद को सुख पहुंचा दूं। कोई क्या दिया अल्लाह ने फिर उसको? अल्लाह ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम दोनों की रातों में बरकतें कर उसी दी, रात कंसेप्शन हुई उनकी, और मेरे ख्याल से कहीं रिवायत के ये भी अल्फाज हैं कि 7 बेटे दिए और 7 के 7 ही कारी थे, इसको आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। उस रात के उस एक 5-6 घंटे के एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस को अल्लाह ने एक्सेप्ट कर लिया फौरन। तो उसने, आप क्या कहते हैं, उसने शरायत पूरी करी थी हस्बैंड की, अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी। आप ये देखें ना, वो टोल जो था ना उसमें रजामंदी अल्लाह के लिए थी ना, खावंद के लिए थोड़ी थी, अल्लाह के लिए रजामंदी थी, अल्लाह की रजामंदी की अंदर ही, खावंद की रजामंदी में ही अल्लाह की रजामंदी थी ना। तो खावंद को राजी किया अल्लाह के लिए और बैन नहीं किया और मातम नहीं किया, अल्लाह के लिए, और इस गम के साथ रहते नहीं, यहाँ गम का टोल है और साथ में दूसरी चीज़ों को एक्टिवेट किया आपने। मुश्किल है ना ये काम, यही तो मैंने आपसे पहले कहा था, हिट लग गई है ना आपको, गम लग गया, बॉदर कर रहा है, तंग कर रहा है, टोल ले रहा है, माजी तंग कर रहा है, फ्यूचर का खौफ है, प्रेजेंट के हालात हैं, पसूड़ियाँ हैं, पेचीदगी हैं, लोग हैं, सिस्टम है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, डर है, स्ट्रेस है, थकन है, और उसके बीच में आप और जी सब ठीक है, काम सारे पूरे करें तो ही तो अल्लाह देखे, तो ही तो देता है अल्लाह। कुछ ऐसा सुपर नॉर्मल आप करेंगे तो आपके लिए कुछ होगा ना। सबर गम बनाना नहीं है, सबर गम थोड़ी है, सिर्फ खामोश रहना थोड़ी, सबर परफॉर्म करना है। क्या आप अपनी रूटीन में वो सारे काम करेंगे और उससे भी बालातर काम करेंगे जो उस गम के साथ हो नहीं सकते आपसे? आखिरी लेवल इसका यह है कि आपने वो नहीं करना जो खिलाफ़ शरीयत है, यानी आपने वो काम जो नहीं करने के हैं उससे भी रुकना है, जो SOPs करने के हैं वो भी परफॉर्म करने, और जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ शरीयत के खिलाफ है वो भी नहीं करने। तो आखिरी लेवल है ना सबर का, कि भाई आप इसके ऊपर ऐसे इस हादसे के ऊपर ऐसी परफॉर्मेंस ना करें जिससे जो है अल्लाह नाराज़ हो जाए, जो खिलाफ़ सुन्नत हो, खिलाफ़ आदत हो, खिलाफ़ शरीयत हो, खिलाफ़ फितरत हो, खिलाफ़ माशरा हो, ये तो आखिरी लेवल है। एक इंसान परफॉर्म कर रहा है उस दिन ज़्यादा अच्छा जिस दिन उसको गम मिला हुआ है। इसको तो आप कहेंगे ना कि ये कोई चीज़ है शेख। अच्छा, सब्र जो है, आपको ये लगता है कि एक तो है इनफरादी, अभी हमने जिंदगियों के ऊपर बात करी है, तो अगर इज्तिमाईयत अल्लाह की अता, अगर तो सब्र और है, और अल्लाह की अता सब्र के अलावा भी और बहुत चीज़ों से तेज़ हो जाती है। अच्छा, मैंने ये अपने उस्ताद से सवाल ये किया कि जब माज बिन जबल को भेजा यमन की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि मजलूम की बदुआ नहीं लेना। हाँ, तो मैंने शेख साहब से ये पूछा कि अगर काफिर हो मजलूम, कि अल्लाह ताला कबूल करेगा? अल्लाह का एक पर्सनल तो कनेक्शन काफिर के साथ भी है ना, इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं आप? क्या जवाब दिया आपके उस्ताद ने? और यही कहा कि काफिर की भी सुन लेगा अल्लाह ताला। देखें, उसका कुफर अल्लाह की एक बात को ना मानने में, मखलूक तो वो अल्लाह की है ना। अब वो बच्चा आपका जो घर के अंदर आपकी नहीं मानता, तो बच्चा तो आप ही का है ना, कहीं ना कहीं तो आप में रहम होगा ना। तो वो इंसान जो अल्लाह का मुनकर है, काफिर है, मुशरिक है तो अल्लाह का ही मखलूक ना।
किसी ना किसी लेवल पर उसकी गलाजत और उसकी जो बदबू है उसकी उसकी कुफरी अफाल की वो अपनी जगह पे होगी, लेकिन कुल कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए में नताए रब्बिक, अल्लाह उसको भी अता कर देता है। उसकी पर्सनल स्टोरी तो जुड़ी हुई है ना अल्लाह के साथ। और आज के दौर में मैं सिर्फ ये बात भी मैं ज़्यादा उठाऊँगा कि कुछ लोग ना अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को ना एक जमात की शक्ल में तश्कील देना चाहते हैं। इनके नज़दीक तस्किया नफ्स की हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ़ एक जमात का तस्किया करना चाहते हैं। जमात का तस्किया नफ्स यह कि अदल हो, अदालत हो, निज़ाम हो, ठीक है, माशरत हो, तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, इक्तसादियत हो, जंग हो, जिहाद हो, किताल हो, ये इज्तिमाई ताल्लुकात हैं अल्लाह के हुक्म के साथ। और जो इनफरादी ताल्लुकात हैं अल्लाह के साथ वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। ये उसको कुछ समझते ही नहीं है। कभी किसी की बात सुनो तो ऐसा लगता है वो कहता है भाई नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र, अस्कार कोई चीज़ ही नहीं है, इसके बगैर उम्मत है, इसके साथ उम्मत कोई चीज़ ही नहीं है। उम्मत एक उस ऑर्डर के साथ एक चीज़ है जिसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि फ़र्द की इंडिविजुअल स्टोरी अल्लाह के साथ ख़त्म हो जाएगी जब तक कि वो एक इज्तिमाईयत का हिस्सा नहीं बनेगा। और अगर ऐसे वक्त आ जाएंगे जो क़यामत के करीब आने के जहाँ इज्तिमाईयत में हमेशा फितना जुड़ा होगा, अक्सर तहरीकें, अक्सर जमातें और अक्सर इज्तिमाई स्ट्रगल्स जो हैं वो मफतून हो जाती हैं क्योंकि मसाइल हैं, सुपर पावर्स हैं, हज़ार किस्म के इज्तिहादात की ज़रूरत है। और वहाँ भी इल्म नहीं सीखना, इज्तिहाद की ताकत को अकोमोडेट नहीं करना कि हम आगे जो बढ़ेंगे वो इज्तिहाद की ताकत से आगे बढ़ेंगे, उन अवामिर के साथ जिसके तहत हम मसला निकालेंगे प्रेजेंट सिचुएशन का, वो इज्तिहाद है कुरान और सुन्नत में। उस पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करना कि इस मसले का हल आज भी इस स्पेसिफिक सिचुएशन का इज्तिहाद के साथ जुड़ा हुआ है, कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ा हुआ है, उसूल फिक के साथ जुड़ा है, फिक के साथ जुड़ा हुआ है। महज एक तारीखी रेफरेंस को पढ़ के आप नहीं निकाल सकते कि जी सीरत में ये हुआ या तारीख में ये हुआ तो इसको यहाँ पेस्ट कर दो, वो सिचुएशन कुरान और सुन्नत से निकलेगी तो वो भी मास्टरी नहीं करनी। तो इंडिविजुअल लेवल की जो स्टोरी चल रही है अल्लाह के साथ उसको क्यों आप छोटा करते हैं? इस कायनात का जो मकसूद है क्या वो फ़र्द नहीं है अल्लाह का? वो भी है, स्ट्रगल तो वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो और उन्होंने मिलकर एक इज्तमाईयत भी करनी है। तो उस रुख को बिल्कुल छोटा करके उस रुख को बिल्कुल बड़ा कर देना ये भी मेरी नज़र में गुमराही है। बल्कि देखा जाए तो एक आदमी का अपने अभी इन हालात के अंदर जो आज मुसलमानों के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की मुनाफ़कत चल रही है और जिस तरह की अपर टीयर के अंदर कमज़ोरियाँ, क्या एक किसी गांव के अंदर एक इंसान की ज़िंदगी की कोई असरात नहीं हो रहे होंगे? उसके इर्द गिर्द और आसमान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा चाहे सिस्टम जैसा भी हो। शरीयत ने अकोमोडेट किया उस शख्स को जो सिर्फ बेसिक ही पूरी कर, फिरौन के पूरी हुकूमत के अंदर एक मोमिन था उस पर सूरत उतार दी अल्लाह ने, नहीं एक बंदे को अल्लाह ने कहा ना तो उम्मत वाहिदा का कि ये अकेला ही एक उम्मत है। सूरह यासीन में एक नबी है उसके साथ एक हदीस के अल्फाज है वन नबी उमा रजुल वरजुल, उसके साथ दो फॉलोअर्स हैं तो डेफिनेटली हुकूमत तो एस्टेब्लिश नहीं हुई होगी। सही है, डेफिनेटली सिस्टम तो उनके हाथ में नहीं होगा। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के सारे सरदार कह रहे हैं, सारे बड़े लोग कह रहे हैं, सारे जितने भी करप्ट लोग हैं वो कह रहे हैं मा नफ़क़ो कसीर मिम्मा तक़ूल। हमें तो नहीं पता कौन सी सल्तनत वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन क्या इंडिविजुअल स्टोरी अल्लाह के साथ कनेक्टेड नहीं थी? क्या जन्नत नहीं मिलनी थी उनको जो इंडिविजुअली जुड़े हुए थे अल्लाह के साथ? असाबुल हुदूद तो सब कुछ हार गए लेकिन अल्लाह कहता ज़ालिक अल फौज़ुल कबीर। तो हमें ये समझना चाहिए कि इंडिविजुअली अल्लाह हर किसी की स्टोरी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि कलेक्टिव लेवल के ऊपर आप बिल्कुल ही आप माइनस कर दें। हम ये भी नहीं कह सकते। उसका फिर सबर क्या है कि उस पर फिर किस तरह चलना है, उस पर फिर किस तरह सबर? देखिए मेरी नज़र में तो अरसलान में सबसे बड़ा सबर ये है कि आदमी उस तहर्रुक को और तहरीक को छोड़ के उस लॉन्ग टर्म विजन की तरफ आए जो आप 250-300 सालों में हारे हुए हो, वो है इल्म पढ़ना, उलमा के साथ जुड़ना, उनसे अखस करना, उन्होंने जो इतने सालों से संभाल के रखा हुआ है उनसे प्रिंसिपल्स लेना और उसको अप्लाई करते हुए उनको खाते में रखना। ये नफ थोड़ी चाहेगा, ये सबर थोड़ी हम कर सकते हैं, बल्कि ये तो स्ट्रगल है, बहुत हार्ड स्ट्रगल। हमें चाहिए क्विक ट्रिप्स, इनकलाबी ट्रिप्स चाहिए हमें, जल्दी टॉपल कर दो, गिरा दो, ठीक है फ़ौरन जल्दी आ जाए, दो मिनट में हो जाए, दो मिनट में मैं टैंकों का सरदार बन जाऊँ, रियासत को चैलेंज कर दूँ, ये भी हो सकता है, अल्लाह ताला की अता हो तो मिल सकती है। ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, कस्बी कहनी है, कस्बी कम अताई ज़्यादा है। तो अल्लाह का पहले वादा, सारे वादे अल्लाह की इस पहली शर्त पे खड़े। अगर एक इंसान का मन ही साफ नहीं हुआ, उसका तस्किया नहीं हुआ, वो ताल्लुक ही नहीं इस्टेब्लिश हुआ, आप जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर लें आप फिर मफतून हो जाएंगे।
तो फिर शेख सब्र तो फिर दोनों एंड से हो रहा है, तो रिजल्ट्स फिर आपने कहा कि इंस्टेंट रिजल्ट्स आ जाते आपको हैं, लग रहा है, आपको लग रहा है वो आप क्वालिटी ऑफ बताएं सबर, वो क्वालिटी ऑफ ईमान, लो। वो क्वालिटी ऑफ ताल्लुक, वो क्वालिटी ऑफ तफक्कर, वो क्वालिटी ऑफ सबमिशन और डिलीवरेंस हो रही है आज के दौर में? शायद चंद अगर होंगे। दीन के नाम पर आती भी है ना, तो या उसको अपने अपने एजेंडे इतना खराब कर देते हैं कि आप देख लें खास एजेंडों में स्ट्रगल हो रही है। तो लोग अक्सर ये कह के तो हर पीछे, किसी ने अपना अपना कुल्लू हिज्ब बिमल अदैम फरीउन बना के लैदा लैदा कर लिया ना, जो एक कलेक्टिव रहम होना चाहिए था एक उम्मत की शक्ल के अंदर, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि खामियां हैं, नकाइस हैं, वो रजामंदी नहीं है अल्लाह की, राजी नहीं है अल्लाह, या फिर हो रही, और अल्लाह एक टाइम के साथ लाएगा। कभी कभी अल्लाह बातिल को इतना उरूज देना चाहता है कि सुन्नत स्टैब्लिश होना, कि इतने बड़े को इतने छोटे से मारा है अल्लाह ने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट यहां पर मैं अभी भी यही कहूंगा कि इंडिविजुअल लेवल की मेहनतों नहीं, अल्लाह की रजामंदी और अल्लाह ताला, अल्लाह कहता है ना लकद मन्ना अल्लाहु अलल मोमिनीन इसबअ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से पैदा कर दिया हमने, उसी में से इस्टेब्लिश कर दिया एक बंदा जिसने उनको तस्किया भी कराया, तालीम भी दी, तरबियत भी दी, हिकमत भी दी उसने, युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। तो इस सबर, सबर प्रोसेस से गुजरना नहीं है, इल्म हासिल करना नहीं है, उलमा की जूतियाँ उठाना नहीं है, उनके लोटे उठाना नहीं है, एक सिस्टम में अदब एहतराम के साथ खामोशी के साथ, ये वाला सबर आपने देखा किसी को करते हुए कि आप में खराबी है लेकिन फिर भी मैं आपके साथ काम कर लूँगा? इसको तो मतलब केटर ही नहीं किया जाता क्योंकि आप तो एक एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सेंस के अंदर लोगों के साथ रहने के लिए तैयार बल्कि हो ना। इसको मतलब मुझे अच्छा नहीं लग इस रहा मैं आदमी को अल्फाज आप कहूँ क्या कि कहें हा? मतलब इसके लिए बहुत अजीब से अल्फाज बोले जाते हैं, जो ये काम करता है जो आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में इसको बिल्कुल ही रिगार्ड नहीं रखा जाता उस शख्स एक का, इंसान जो मुनाफिक कहेंगे ना लोग इसको, मुनाफिक कहेंगे ये सबको लेके चल रहा है, या एब्सोल्यूट लाइंस फिर नहीं है। हाँ एक आदमी एक सिस्टम के अंदर बुराई के साथ भी चल सकता है, अकोमोडेट करता है अपने नफ्स के ऊपर, एक अपना पर्सनल यूनिक सेंस ऑफ तकवे को इस्टेब्लिश करके लोगों को जज नहीं करता, टोल नहीं आज के दौर में, हर बंदा जजमेंटल है, हर बंदे के पास तलवार रेडी है अगले के लिए, या जुबान रेडी है या तलवार रेडी है। बहुत कॉमन है ये हाँ, कि और मैं इस हार्ड लाइनिंग से तो खुद गुजरा हूँ एक टाइम पर, कि सिर्फ मैं एक लाइन चाहिए और उसने पूरी उसकी दैट्स इट, जिंदगी की स्ट्रगल हाँ उड़ा दी दैट्स है। इट। तो क्या ये मतलूब भी, तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम भी चलाना है और सिस्टम भी चलाना है उसमें तो हर नस्ल का आदमी होगा ना, तो वो एक एब्सोल्यूट सेंस ऑफ राइचियसनेस और पाइटी में जो आप बैठे हुए हैं उसके साथ आप लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे? शायद ये भी एक फितना हो सकता है कि आप इस सोच के साथ आना चाह रहे हैं कि भाई आपने फड़काना है अगलों को, लिबरेट थोड़ी करना है आपने। और शायद आपकी ब्रांडिंग के अंदर, आपकी अकवाल के अंदर, और आपकी प्रीचिंग के अंदर, और आपकी दरस व तदरीस के अंदर वो एलिमेंट ही नहीं है जिससे लोग कंफर्टेबल हों। और फिर ये कहाँ जाएगा कि अल्लाह जब किसी से प्यार करता है तो पूरी मखलूक उससे प्यार करती है, लोगों के दिलों में बात आती है, और अल्लाह अगर किसी को नापसंद करता है तो मखलूक का भी यही हाल है। तो इतनी बड़ी कबूलियत क्यों नहीं मिल रही आपको? सोचे ना आप कि लोगों के दिलों के अंदर क्यों कबूलियत नहीं आ रही? फिर ये भी आता है कि सबसे अच्छे लोग वो हैं जो हाकिम के लिए रहम की दुआ करते हो और वो उन पे रहम की करता हो, और सबसे शरारो नास वो हैं जो उसे गालियां देते हो वो उन पे जुल्म करता हो। तो आप देख लेना आपका हाल क्या खड़ा हुआ है। शेख आपने अभी एक पिक्चर शेयर करी थी जिसमें आपने 2012 की एक आपने लगाई हाँ और आपने 2024 की आपने लगाई जहाँ लोग आपके सामने हैं, हाँ तो ज़िंदगी के इस सफ़र के अंदर आप क्या कहते हैं सब्र असल क्या था? खामोश रहना था, टैकल करना था, जवाब देना था? 2012 के वक्त जो मेरे पर सबसे बड़ी आजमाइश थी वो ये थी कि मैं फील्ड छोड़ के चला जाता, ठीक है जो उस वक्त तक की पोजीशन थी वो सारी शैटर हो गई, जो ऊपर हाथ था वो हट गया, जो सपोर्ट थी वो हट गई। मतलब इट वॉज नॉट द बिगिनिंग एक्चुअली, वो एक पीछे से सिस्टम एक कोलैप्स हुआ तो था 2005 जब से मेरा 2007 से सिस्टम चल रहा था ना सही मेरा, तो उस टाइम पर जो मेरी सपोर्ट थी, जो मेरी रिलीजियस सपोर्ट थी, जो मेरी पॉलिटिकल सपोर्ट थी, और जो मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट थी, तीनों ने हाथ उठा लिया, और जो मेरी कबूलियत थी वो भी मेरे मेरी उस टाइम पर मेरे खिलाफ हो गई। तो ना ग्राउंड पे कुछ था, ना आसमान पे कुछ, ना ऊपर कुछ था, ना ज़मीन नीचे कुछ था। उस वक़्त का मेरा ख्याल से जो मेरा इम्तिहान था और उस पर यही था कि आई शुड लीव द फील्ड, मैं वापस हो जाऊँ और वो करूँ जिससे वो लोग चैलेंज नहीं हो रहे जहाँ मैं खड़ा हुआ था। नफ्स जो आप कह तो सकते हैं यही कहा था कि ना फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुम आए हो हमें बात बताने के लिए, अब के तुम पले बड़े यहाँ पर हो, हमारे साथ खाया पिया, हमारे साथ उठे बैठे, मैंने तुम्हारी परवरिश की यहाँ पर मूसा, और तुम मुझे आए हो मेरे बड़ों को चैलेंज करने के लिए। तो यही तो था उस टाइम पर कि
हमने पाला, हमने दिया, हमने सिखाया, हमारे साथ आप रहे, हमें सिखा रहे हैं आप बैठ के, हमें बताएंगे आप? तो वो उस वक्त, तो उस वक्त का जो सबर था वो ये था कि आए एक करेज का सबर था मेरा, कि मैं करेज दिखाता वहाँ पे, बहादुरी दिखाता, दिलेरी दिखाता कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ दौर के फितने हैं, किसी ने मुझे इस लिहाज से चैलेंज किया कि भाई तू तो अपनी डिग्री मुकम्मल करके नहीं आया, तेरी की औकात है ये साढ़े के गल करन वाली। तो मैंने फिर भी आगे दिखाया कि क्या हुआ अगर डिग्री नहीं हुई तो ज्ञान और फहम जो है वो डिग्रियों का मोहताज थोड़ी होता है। मुझे छोटी भी चीज़ आती है तो बल्ली गोन्नी वाला वो आया तो खड़ी है ना अपनी जगह पर, अगर मुझे एक आयत का भी फहम है तो मैं वो बयान करने के अंदर क्यों कासर रहूँ? कम हो मगर क्वालिटी हो, किसी का भी भला कर दे। तो वो तो एक सहाबी भी थे ना जिन्होंने कहा था सही कि मैं नमाज़ पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, हज दूंगा, ज़कात करूंगा, कलमा पढ़ूंगा और इससे ज़्यादा का मेरा दीन नहीं है। आपने जन्नत की बिशारत दे दी उसको, बिल्कुल। ये अभी आप मेरे साथ पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे। जी जी। तो भाई अगर मेरे पास कम भी है, अगर मैं उसके साथ भी सिंसेयरली काम कर लूँ तो शायद हो सकता है इम्पैक्ट हो जाए एक आदमी की ज़िंदगी बदलने के लिए, हो सकता है मेरे मुँह से निकले हुआ एक जुमला भी काम हो सकता है। तो आप मुझे डिमीन क्यों कर रहे हो? फिर एक उस वक्त सबर ये आया कि अगर मैं एक डिग्री होल्डर नहीं हुई हूँ उस टाइम पर, तो मैं स्टैंड आउट करके अपने आप को प्रेजेंट जब करता तो बड़े बड़े PhD बड़े बड़े वो बैठे हुए थे तनकीद करने के लिए, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है, फिर भी आए मैदान के अंदर। और फिर वो और कुछ कुछ तो ऐसे भी होंगे जो दीन के ऊपर भी कहते रहे इनू तो आंदा ही कुछ नहीं है, तो फ़र्क है क्या, फलाने का ढमकाने का। तो हमारे यहाँ आजकल का एक ट्रेंड भी है जो दीनी तबके का मैं देखता हूँ, जब वो किसी पर हिट मारने जाएंगे ना तो वो उसकी दीनी क्रेडेंशियल्स को तनकीस करेंगे। आप बात का रद्द करें, पर्सनैलिटी का क्यों रद्द कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच नहीं है कि आप उसकी बात का रद्द करेंगे? पर्सनल होना, जब आप पर्सनल होंगे तो आप ऑब्वियसली वोट हार जाएंगे आपका। ओके। तो उस किसी वक्त ये सबर था कि जो अब यहाँ से सॉरी मैं आपको इंटरप्ट, जो सबर करेगा वो पर्सनल नहीं होगा फिर, और जिसका कभी कभी उसकी ज़ात कभी कभी, अब ये भी कहना बहुत अजीब सी बात होगी जो एक बड़ा लिबरल स्टांस है कि जी बुराई से नफरत करें, बुरे से नफरत ना करें। तो भाई बुराई अगर फितरत का हिस्सा बन चुकी है और वो बंदा बुराई का एडवोकेट है तो उसकी ज़ात को भी उड़ाना मकसूद होता है उनकी ज़ात। कभी कभी सब्जेक्टिवली आपको कभी कभी पर्सनैलिटी को हिट करना पड़ता है, लेकिन पर्सनैलिटी को हिट किए बगैर अदब को मलूजे खाते रखते हुए बात को मकसद, अगर उस बात की तरदीद करना है सोसाइटी में तो शख्सियत के ऊपर फतवे क्यों लगा रहे हैं आप? और अगर शख्सियत के ऊपर फतवा लगाने का मकसूद है तो उसके पर शरीयत के उसूल हैं कि शख्सियत की अकीदत इतनी स्ट्रांग है और इससे जुड़ा हुआ शहर इतना स्ट्रांग है कि इसे नलीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जा रहे होते हैं तो उस वक्त तो आप ईमान अगले का थोड़ी देख रहे होते हैं, आप तो अपना मकसूद देख रहे होते हो कि भाई मेरा फायदा इससे निकल रहा है तो ठीक है, ये जिस भी अकीदे का हामिल है मैं इसे काम निकालूंगा। ऐसी बात थोड़ी है कि उससे काम नहीं लिया जा सकता। तो फिर किसी ज़माने के अंदर स्ट्रगल ये था कि भाई अच्छा कभी कभी आपके सामने जो है बड़े लोग जो है वो चीप तरीकों से ऊपर आ रहे होते हैं, कॉन्ट्रोवर्सियों से ऊपर आते हैं, किसी को रद्द कर दो ऊपर आ जाएंगे और हॉट टॉपिक्स पे बात कर लो, सिस्टम पे बात कर लो, निज़ाम पे बात करके फौरन आपको TRP मिल जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि उसमें जज्बात जुड़े हुए हैं ना, इंकलाब इंकलाब हमने आगे आना है, मैं ये कर दूंगा वो हो जाएगा, हमें ये करना चाहिए, मेरा बड़ा, इससे आपको बहुत हिट लगता है। वैन यू सी पीपल अराउंड यू उन्हें इन मौजूआत के ऊपर बहुत बात करने का शौक़ है और आप एक अपनी जेन्युइन स्ट्रीक लेके चल रहे हो कि आप ज़िंदगी में लोगों की माइंडसेट्स को और उनकी कल्चर को और उनके दीन को और उनकी स्ट्रगल को एक मैनिफेस्ट और इंटीग्रेट कराने की कोशिश करो एक पॉजिटिव विजन के साथ, तो इसको मछली कम लगती है, तो ये बड़ा सबर होगा आपका। लेकिन जो भी मछली लगती है फिर, लेकिन जब आप हाँ वो तो फिर एक्सपोनेंशियल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रोथ के मुख्तलिफ है ना, जो आप बड़ा टाइम लगा के उठाएंगे और आप एक नैरो उसमें उठाएंगे उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो मामला फिर तवक्कुल पे नहीं चला जाता बहुत सारी चीज़ों में? तवक्कुल भाई ऑब्वियसली तवक्कुल तो वो भी कर रहा होता है ना जो बहादुरी दिखा रहा है सिस्टम के अंदर, वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजे किसके साथ होंगे? बात ये अपने नफ्स के खिलाफ कितना आप जा रहे हैं उस तवक्कुल के साथ। ओके। बहादुरी दिखाना भी कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। अगर कोई बंदा गलत राह में भी बहादुरी दिखा रहा है तो बहादुरी तो दिखा रहा है ना यहाँ पर। सही। सो मेरे तो आई थिंक इन दिस लास्ट 12 ईयर्स मुख्तलिफ लेवल के सबर के पैचेस थे। अच्छा, इससे बड़ा सबर आप क्या करेंगे कि मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया, जितना पॉसिबल था अप्लाई कर दिया, जितना सुपर नेचुरली पॉसिबल था अप्लाई कर दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, दैट्स हार्ड। कुछ लोगों के लिए आप कुछ भी कर लें वो आपका इंतखाब नहीं करेंगे, और आपके जब करीबी रिश्तेदार हों वो That hurts, you know. लेकिन पहले ही जब आपने बेस बना दी, आप देख लेना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अबू तालिब से कह रहे हैं आखिरी वक्तों में, उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी है, इतनी स्ट्रगल की है इस्लाम के लिए, ला इलाहा पढ़ो और बेड़ा पार है। शेख, मेरा
सवाल जो आपकी स्ट्रगल को लेकर ये था, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये राज आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ थोड़ा, ताकि लोग सुने इस चीज़ को कि सब्र किस चीज़ में ज़्यादा था आपकी स्ट्रगल में, खामोश रहने में सब्र ज़्यादा था या जवाब देने में आपने सब्र। ग्रेस जो है ना वो कभी भी जवाब देने में नहीं है। और कहते हैं ना जब नीच सोच का आदमी हो ना, जो हल्का लोली स्टैंडर्ड का आदमी हो, तो वो आपको ना अपने कुएं के मुताबिक पत्थर मार रहा होता है, और आप जो होते हो जो चीज़ बनाने लग रहे होते हो ना उसमें टाइम लग रहा होता है। तो अक्सर लोग इंगेज्ड हो जाते हैं उसको जवाब देने के अंदर, वो इस लेवल तक, इस हद तक, वो कहते हैं दे स्टूप डाउन टू सच ए लेवल कि आपको एक टाइम पर दिल करता है यार मैं अपना एक हायर देन लाइफ पर्पस, लार्जर देन लाइफ पर्पस को साइड में फेंकूँ, मैं इन्हू नहीं छड़ांगा। वो बड़ा सब्र होता है जब आपने मुंह बंद रखना होता है एक ऐसे इंसान के लिए जो औकात हैसियत के अंदर और कैलिबर के अंदर भी बहुत छोटा है, और उसकी हरकत और सकनात में भी बहुत छोटी सोच का आदमी, वो मार रहा है आपको, बहुत तकलीफ देता है वो। बहुत हौसला चाहिए उसके लिए कि भाई मैं अपने विजन को कुर्बान नहीं कर सकता इसके मुंह लग के, मैं उस हैसियत को जो पाना चाहता हूँ कुर्बान नहीं कर सकता इसके मुंह लग के। तो बहुत जगहों पे ज़िंदगी में आया कि मैं जवाब दूँ, मैं मुकाबला करूँ, लेकिन दैट हैज़ बीन वेरी हार्ड ऑन मी। अल्लाह ने फिर दिया भी उसके मुताबिक। शेख मैं चाहूँगा कि एंड में इसको वाइंड अप करने से पहले आप एक सब्र के ऊपर एक छोटा सा मैसेज पूरी कौम के लिए, मेरा तो एक नसीहत छोटी मैं इसको अता के और सब्र को अगर कंक्लूड करूँगा वो यही है कि अल्लाह ताला ना इंसान की किसी मेहनत को रायगा नहीं करता। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता अपने ऊपर, अल्लाह को कोई कर्ज नहीं दे सकता। अगरचे कहा गया मन युकरज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, इसका मकसद ये नहीं कि अल्लाह कर्ज़ मांग रहा है, अल्लाह को कोई कर्ज़ नहीं दे सकता। बस ये कि अल्लाह इंसान को मोटिवेट करने के लिए कि अमल कर, परफॉर्मेंस दिखा, उसके लिए मुख्तलिफ सीगे इस्तेमाल करता है अल्लाह। अल्लाह ताला मुख्तलिफ इबारतें इस्तेमाल करता है मोटिवेट करने के लिए आपको, ये काम करो, ये काम करो, काम करो, दिखाओ परफॉर्मेंस दिखाओ। तो मेरी नज़र के अंदर सख्त तरीन हालात में, मुश्किल वक्तों में लगे रहना कंसिस्टेंटली मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और इस सोच के साथ कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा, कोई एहतराम नहीं कर रहा, लड़ मर के चीख चिल्ला के मैं जगह नहीं बना पा रहा, मैं आँखों के सामने देख रहा हूँ कि उन लोगों का इंतखाब किया जा रहा है जो अहल नहीं रखते, मेरा दिल साफ़ है, मेरे दिल में वो दर्द है, मेरे दिल में ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, कमिटमेंट है, रहम है, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही। उन वक्तों के अंदर आसमानों की तरफ नज़र रखना कि तू तो देख रहा है ना अल्लाह, ये भी नहीं कहना, इतना खामोश मख्फी कर लेना अपने जुमलों को अपने अंदर कि सिर्फ वो आखिरी हिस्से की जो धड़कन में अल्फाज है ना वो अल्लाह को सुन, वो अल्लाह ज़्यादा सुनता करी, चूंटियों की जो सुनता है वहाँ से अच्छे जुमले निकालना कि मैं खुश हूँ अल्लाह तुझसे, मैं राज़ी हूँ, तू बड़ा बादशाह है, तू कर सकता है सब कुछ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, जिस वक़्त तेरा हुक्म आएगा मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन मैं रोज़ आऊँगा, मैं रोज़ कपड़े भी पहनता हूँ, मैं रोज़ ढंग भी अपनाता हूँ, मैं रोज़ खुशबू लगाता हूँ, रोज़ आता हूँ मैं तेरी बारगाह में भी, और लोगों के मामलात के साथ मैं जीता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए मगर मुझे कुछ चाहिए, इन कन्फ्यूजन्स के बीच में मैं इस कायनात के बड़े बड़े मसाइल को समझ नहीं सकता, अल्लाह मैं एक आम सा इंसान हूँ, तू बेहतर समझता। जो कहा था ना उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह मुझे तकलीफ़ तो पहुँच गई है मगर तू बड़ा रहम करने वाला, ऐसी बात बोलनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह शायद एक लेवल पे मैं नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए, अगर तू बेहतर समझता है। व अंत अहकमुल हाकिमीन व अंत खैरु रहीमीन व अंत खैरु राज़िकीन व अंत खैरु तवाबीन व खैरु नासिहीन व इलाहल आलमीन, और तू अंत लतीफ़ वल ख़बीर व समी वल अलीम वल बसीर, बहुत गहराई में देखने वाला है तू, तू देख ले अल्लाह, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। जज़ाकअल्लाह खैर शेख, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज के टॉपिक पे बात करके, थैंक यू, बहुत बारकअल्लाह फीकुम, सीखने को मिला होगा जो हमारे लिसनर्स हैं, आमीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ, जज़ाकअल्लाह खैर।